सोचो क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। आज बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा इंडेक्स टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन की हम शुरुआत करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो, इस इंडेक्स को पढ़ने का हमारा तरीका, इसमें जितनी सारी बातें हैं उनको हम प्रैक्टिकली पहले समझने की कोशिश करेंगे। जितनी चीजें उनके साथ साथ आएंगी हम साथ साथ समझेंगे। कुछ लिखेंगे जब मैं बोलूंगा, कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अभी नहीं लिखना, जब मैं बोलूंगा तभी आपको लिखना, आप जानते हैं। फिर जब ये इंडेक्स प्रैक्टिकली मैं खत्म कर दूंगा तो फिर मैं पूरे इंडेक्स को स्टार्टिंग से टिल द एंड एक एक चीज को आपको बताऊंगा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, मतलब मेरे साथ आपको ऐसे पढ़ना है। जब ये इंडेक्स खत्म हो जाएगा प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों, तो फिर आपने क्या करना है, एक दिन के गैप पे नेक्स्ट डे एक बार मेरी बुक से इसका पूरा रिविजन कर लेना। ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं, सुने ध्यान से। इंडेक्स टू मेरे बच्चे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है अगर पहले से आपने एस टू पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि वहां एस टू भी हमारा क्या था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही था। तो दोनों में लगभग 95% बातें सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है। कुछ परसेंट की बातें चेंजेज हैं जो मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या क्या वो चीजें हैं, ठीक है ना। आइए जरा शुरू करते हैं। देखो, इंडेक्स टू के मुताबिक आपका इसका, इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंडेक्स क्यों बनाया गया। तो इसको बनाने का मेन मोटिव कि आप जिसको अपने अकाउंटेंसी में इन्वेंट्रीज करते हैं, आप जिसको इन्वेंट्रीज का नाम देते हैं, उन इन्वेंट्रीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, उनका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, उनके बारे में सारी बातें जानकारी देगी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे यही सब बातें निकल के आती है। जितने भी इन्वेंट्रीज होते हैं, जितने भी कंपनीज हैं, कंपनी आपका चाहे आपका प्रोडक्शन में हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी हो, ये सभी कंपनीज, सभी एंटिटी, जितने भी फर्म है, पार्टनरशिप, सबकी बात कर रहा हूं, सबके पास जो इन्वेंट्री पड़ा होता है ना बच्चे, उस इन्वेंट्री पे इंडेक्स टू को अप्लाई किया जाता है। यानी कि इसी के मुताबिक हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं, दो एक्सेप्शन को छोड़ दो तो। एक आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, कुछ ऐसा आपने परचेज करके रखा हुआ है, तो ये जो आपके हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो हम इंडेक्स 109 में समझेंगे डिटेल में कि इसमें क्या क्या आता है। फिलहाल समझना सिक्योरिटीज जो आपके होते हैं, हम उनका अकाउंटिंग इंडेक्स 2 के मुताबिक नहीं करते, क्योंकि वहां पे आपका इंडेक्स 109 ऑलरेडी अलग से आपको इसके बारे में बोलता है। मैंने शायद कहीं लिखा भी हुआ है, आप देखें यहाँ पे, कि आपका इस सारे इन्वेंट्री पे अप्लाई होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के, जिसपे इंडेक्स 32 एंड 109 अप्लाई होगा। वो क्या है हम देखेंगे वहां। फिलहाल समझ लेना कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होते हैं ना, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब चीजें, उनपे इंडेक्स 2 अप्लाई नहीं होगा। और साथ ही साथ आपके बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर में, बायोलॉजिकल एफेक्ट्स जो होते हैं मेरे बच्चे, ये भी आपका इस पे आपका ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि जो बायोलॉजिकल एफेक्ट्स के अंदर में इन्वेंट्री होते हैं उनपे अलग से इंडेक्स 41 है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनका अलग से, हम वहां पे अकाउंटिंग उनका अलग से सीखेंगे। हमें तो यहाँ पे बाकी इन्वेंट्रीज की बात करनी है। बाकी का मतलब चाहे वो कोई प्रोड्यूसर है, कोई प्रोडक्शन करता है गुड्स का, चाहे सर्विसेज का। सर, सर्विस का प्रोडक्शन करने वाले के पास इन्वेंट्री कैसे आएगा, क्यों नहीं होगा। मैं एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या मेरे पास ये मार्कर ये सब नहीं पड़े हैं क्या, ये मेरा इन्वेंट्री है मेरे बच्चे, मैं इसको इन्वेंट्री ट्रीट करता हूं। क्या एक जो शिपिंग कंपनी है जो कि आपको यहां से वहां लेकर जाते हैं, क्या उनके पास इन्वेंट्री नहीं होता, होता है। उनको भी अपने काम को पूरा करने के लिए शिप में मान लो कुछ नट वोल्ट लगते हैं, कुछ और भी आपके चीजें लगती है जो फ्रिक्वेंटली उनके प्रोडक्शन में, यानी कि उनके गुड्स में या उनके आपके जो इक्विपमेंट जिसके थ्रू आपको सर्विस देते हैं उनमें यूज होता है, वो आपका इन्वेंट्री होगा। हम चर्चा भी और डिटेल में इसके बारे में करेंगे। फिलहाल आप समझ लेना कि इंडेक्स 2 सारे इन्वेंट्रीज पे अप्लाई होगा, दो को छोड़ देना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जितने भी सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर की सिक्योरिटी, उन पे अप्लाई नहीं होगा, एंड बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर में, इसके सभी के ऊपर में आपका। सर, ये इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, इन्वेंट्री का अगर हम डेफिनेशन में आए तो कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इन्वेंट्री आर एसेट्स। एक तो ये आपका एसेट्स है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एसेट्स है। और अगर मैं आपको इंडेक्स 1 से इसको थोड़ा मिलाप कराऊं तो याद कीजिए, इन्वेंट्रीज को हमेशा हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। इन्वेंट्री हमारे इंडेक्स 1 के मुताबिक हमेशा क्या होता है, करंट। ये कभी नॉन करंट नहीं होता, मैंने आपको डेफिनेशन सिखाया था करंट नॉन करंट का। तो इन्वेंट्रीज का मतलब वो जो आपका एसेट है, पहली बात।
ये जो एसेट आपका है वो एसेट किस लिए है जी? कहते हैं कि वो एसेट जो कि हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपका जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें जो आप चीज रखते हो हेल्ड फॉर सेल बेचने के लिए, अगर मुझसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो मैं बताऊं, यहां पे आपका फिनिश गुड्स, या फिर मैं कह दूं आपका स्टॉक इन ट्रेड। मैं दोनों का मतलब बता देता हूं। फिनिश गुड्स वर्ड हम तब यूज करते हैं अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर मेरा काम प्रोडक्शन करना है उस चीज का, तो फिर मैं क्या करूंगा, वर्ड यूज करता हूं फिनिश गुड का। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करता, मैं मार्केट से उसको परचेज करता हूं फिर आगे बेच देता हूं। तो जो भी इन्वेंट्री हमने रखा है हेल्ड फॉर सेल बेचने के लिए इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डनरी कोर्स का बिजनेस का मतलब वो मेरा काम ही है मेरे बच्चे। अगर मान लो मेरे पास कोई मशीन, मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरे पास एक मशीन पड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग पड़ा हुआ है, अब मैं सोचता हूं यार इस बिल्डिंग को ना मैं बेचूंगा, तो क्या वो बिल्डिंग हेल्प फॉर सेल है? यस, हेल्प फॉर सेल है। बट क्या वो हेल्प फॉर सेल ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है? क्या मेरा काम ही बिल्डिंग को बेचना है? नहीं सर, तो फिर वो इन्वेंट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। इन्वेंटरी के कैटेगरी में आने के लिए आपका हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिंपल शब्दों में अगर लेमन लैंग्वेज की बात करूं तो अगर मेरा काम इसको बेचना है मेरे बच्चे, अगर मुझे इसका काम बेचना है, मैं क्या करता हूं जी, मैं मार्कर में ही डील करता हूं, तो मेरा इन्वेंट्री है। लेकिन मैं इस मार्कर को बेचने के लिए अगर मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगाया हुआ है, अब उस फैक्ट्री को मैं बोलता हूं कि मैं बेचूंगा, नाउ इट्स हेल्ड फॉर सेल, तो क्या मेरा वो इन्वेंट्री हो जाएगा? नहीं। इन्वेंट्री मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो अल्टीमेट आपका बिजनेस है, उससे जुड़े हुए जो गुड्स होंगे उन्हीं की बात की जा रही है। तो कहते हैं कि इन्वेंट्रीज आर एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, या तो ये या फिर इनके प्रोडक्शन में के प्रोसेस में जो आपने रखा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। मान लो मेरा काम मार्कर बनाना, या फिर मान लो मैं यहां पे बनाता हूं कैलकुलेटर, मैं बनाता हूं रिमोट, कुछ भी बनाता हूं, अगर ये बनकर कंप्लीट है मेरे पास तो मैं क्या बोलूंगा, वो फिनिश गुड्स है। अगर ये आधे कंप्लीट है, आधा कंप्लीट होना बाकी है, 90% कंप्लीट है, 10% बाकी है, 40% कंप्लीट है, 60% अभी कंप्लीट होना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस आपका। तो इन्वेंटरीज आर एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर इस सेल को, ये जो गुड्स हैं इनको बनाने में, कहता है कि जो प्रोडक्शन में अभी है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, इनके सेल के प्रोडक्शन के बीच में जो है उनकी बात की जा रही है। यही नहीं, कहते हैं कि भैया अगर मान लो कोई मटेरियल्स एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मटेरियल एंड सप्लाईज का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया, ऐसी चीजें जो आपकी होंगी वो क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हो, ये आपका इन्वेंट्री में कवर होगा। तो पहली बात, इन्वेंट्री को क्लासिफाई करने के लिए अगर कोई मान लो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये एसेट है, और सिंपल शब्दों में कौन सा एसेट है, अंदर की बात है, ये करंट एसेट होता है। ये वो एसेट्स है जो कि हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सिर्फ हेल्ड फॉर सेल होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। दूसरी बात, हमने कहा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, उस गुड्स को जो हम सेल कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो इन प्रोसेस है, यानी कि WIP, वो भी हमारा कवर होगा। और तीसरा हम लोगों ने क्या कहा कि मटेरियल एंड सप्लाईज, मतलब इस प्रोडक्शन में जो मटेरियल सप्लाईज यूज होते हैं, अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको भी यूज करना, ये सभी आपके इसमें कवर होंगे। बात समझ में आ गई? मैं कार बनाता हूं मेरे बच्चे, कार बन के कंप्लीट यहां हो गया, ये चला गया, ये क्या, कार बनाने के लिए जो आपका रॉ मटेरियल लगता है, कुछ नट वोल्ट हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, सब इसके अंदर में आपका कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या वजह, इन्वेंट्रीज का मतलब हुआ। अभी अभी जो मैंने आपको इन्वेंट्री का डेफिनेशन सिखा रहा था, तो हमने कहा था इन्वेंट्रीज आर एसेट, मैंने लिखा भी था कि हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, एंड सी था इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग सर्विसेज। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका मैंने मटेरियल जो था ना, इट वॉज रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल एंड दूसरा आपका पैकिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, है ना, जो आप गुड्स को जब आप बनाते हो तो उसको पैक करते हो, पैक करके दूसरी जगह रखते हो ताकि वो डैमेज ना हो, तो वो है। मैंने गलती से वहाँ स्पेयर पार्ट्स और जो लिख दिया उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि उसका डिस्कशन इंडेक्स 16 में किया जाएगा, उसमें आपका है, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोगों ने इन्वेंट्री का मीनिंग समझने के बाद ना वेलकम टू द डिटेल्स ऑफ दिस इंडेक्स टू। लेकिन इसके डिटेल में एंट्री करने के पहले दो ऐसे वर्ड है जिसपे आपको बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो सकती है, उन दोनों वर्ड का पहले मैं आपको मीनिंग समझा दूं इस इंडेक्स को गहराई में समझने के लिए। इसी को नहीं मेरे बच्चे, इसके बाद भी अभी जितने सारे इंडेक्स हम स्टडी करेंगे वहां पे दो वर्ड आपको हमेशा परेशान कर सकते हैं। एक आपका वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर वहां क्या लिखा है मत देखो अभी, पहले यहां पे सुनो मेरी बात। और दूसरा वर्ड होता है मेरे बच्चे फेयर वैल्यू। पता है इन दोनों में जो परेशानी क्रिएट होती है ना, इस परेशानी को खत्म करने के लिए आपके पास एक इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। आपको हैरानी होगी, इस फेयर वैल्यू को समझाने के लिए आपको इंडेक्स लॉन्च किया गया है, इंडेक्स 113, जो कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट की बात करता है। यानी कि फेयर वैल्यू क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, किन किन सिचुएशन में क्या होगा, उसके लिए हमको इंडेक्स 113 पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये मतलब अच्छा वर्ड है, तभी की बात हो रहा है ताकि उसके ऊपर में एक अलग से इंडेक्स को लॉन्च किया गया ना। आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे, पहले मैं इन दोनों वर्ड का बहुत सिंपल शब्दों में आपको मीनिंग बता दूं इसके अंदर में एंट्री करने के पहले, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मैं बात करता हूं एक कंपनी का जिसका नाम है COC लिमिटेड। नाम तो सुना ही होगा COC लिमिटेड। मेरे बच्चे इस कंपनी, ये कंपनी जो है ना, मान लो ये क्या करती है जी, आपका कंप्यूटर बना के बेचती है। सर COC कंप्यूटर भी, हाँ मान लो ना, मान लो। और ये सब में अब छोड़, अभी मैं अभी झगड़ा नहीं करना चाहता, ये COC जो है कंप्यूटर के बिजनेस में है। पता है COC जो है ना ये क्या करती है जी, ये मार्केट में आपका मान लो ये दिल्ली है, आप ध्यान सुनना, ये दिल्ली है और दिल्ली के अंदर में एक मार्केट है मेरे बच्चे लक्ष्मी नगर। आप दिल्ली में होंगे आसपास को तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जब आप आएंगे कभी हमारे दिल्ली में तो मैं आपको घुमाऊंगा। वहां पे एक जगह आपका है लक्ष्मी नगर, मतलब COC जो कंप्यूटर बेचता है इसका शोरूम कहाँ है जी, लक्ष्मी नगर के अंदर में। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है COC जिस इन्वेंट्री में, जिस गुड्स में डील करता है यानी कि कंप्यूटर, इस लक्ष्मी नगर मार्केट में जो ऑर्डिनरी जितने पे सेल करता है नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब मैं उस लैपटॉप को, जो मेरा लैपटॉप मेरे बच्चे मान लो उसको 40,000 में सेल करता हूं लक्ष्मी नगर के मार्केट में, जो वहां पे जिस तरीके के कस्टमर हैं, जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके के लोग हैं, जितना पेइंग कैपेसिटी उनके है, उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ 40,000 में इस प्रोडक्ट को बेचता हूँ। और जब जिसके थ्रू प्रोडक्ट को बिकवाता हूँ ना, मतलब वहां पे मैंने क्या किया जी, कई लोगों को रखा हुआ है मेरे पास, इम्प्लॉय काम करते हैं, सबको मैंने बोला कि देखो जी जितने लैपटॉप आप बेचोगे ना, मतलब स्पेसिफिक एक इम्प्लॉय को मैंने बोला हुआ है, मैं उस पर आपको 1,000 रुपये का कमीशन पे करूंगा। मतलब सैलरी भी दूंगा, ऑब्वियस बात है सैलरी तो आपको दूंगा, चाहे आप बेचो चाहे ना बेचो, ताकि आप सिक्योर रहो। लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए आप जितने भी लैपटॉप आप बेचोगे उन सारे लैपटॉप पे मैं 1,000 रुपये करके आपको अलग से कमीशन पे करूंगा। तो मेरे बच्चे मान लो एक लैपटॉप मेरा 40,000 बिकता है नॉर्मल सिचुएशन में, और बेचने पे कितना खर्च हो जाता है जी 1,000 रुपये, वो खर्च जो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कमीशन ऑन सेल की बात कर दी, हो सकता है कि मैंने अपने जो क्या नाम है कस्टमर को एक मैंने बेनिफिट दिया हुआ है कि आप लैपटॉप बुक करके चले जाओ, हम घर में आपको डिलीवर्ड करा देंगे। तो अगर घर में डिलीवर्ड करा देंगे उस केस में नो डाउट कि वहां पे मेरा फ्रेट लगेगा, तो वो भी खर्चे आपका वहां पे जुड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू की जब बात की जाएगी ना, तो कहते हैं कि जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब ही हो गया कि नॉर्मल सिचुएशन में जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, आप जितने में प्रोडक्ट बेचते हो नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस डायरेक्टली
रिलेटेड टू सेल। सर लिखे हम नहीं लिख रहे, आप मेरी बात पहले सुनो, पहले इनको समझ लो, क्योंकि सब कुछ मैंने लिखा हुआ है और सब पे अच्छे तरीके से नोट लिखाऊंगा, अभी आपको सुनते चलने जाना है। एनआरवी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एनआरवी का मतलब हो गया नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल, इसको हम बोलेंगे एनआरवी, है ना। तो जरा बताओ मैं यानी कि मेरी जो कंपनी है वो इस प्रोडक्ट को कितने बेचती है, 40, उसमें खर्च कितना होता है डायरेक्टली 1, तो ये कितना निकल के आ गया 39,000 हो गया। ये हो गया आपका एनआरवी। मेरे प्यारे बच्चों, जब बात फेयर वैल्यू की होती है ना, तो फेयर वैल्यू को मतलब वही गुड्स जो मैं बेच रहा था, मैं क्या बेच रहा था, कंप्यूटर बेच रहा था, है ना, कंप्यूटर। तो जिस कंप्यूटर को मैं बेच रहा था, जब इसका एनआरवी निकाला गया तो मुझे कंसीडर किया गया, मुझे। लेकिन जब फेयर वैल्यू निकाला जाता है ना, तो कहते हैं कि सीओसी नहीं, जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब होता है सीओसी ही नहीं, जितने लोग भी ऐसे कंप्यूटर को मार्केट में बना के बेचते हैं, जितने लोग भी, वो कंप्यूटर जो कि आपका सीओसी बेच रहा था, ऐसा कंप्यूटर जो पूरे इस लक्ष्मी नगर नहीं, इससे जुड़ा हुआ जो मार्केट है, कहते हैं कि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, वो मार्केट जो कि मोस्ट एडवांटेजियस है, मतलब कि जिसमें मैक्सिमम प्राइस पे प्रोडक्ट बिक सकता है। तो कहते हैं कि कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट, कोई भी बंदा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में जाके इस प्रोडक्ट को कितने में बेच सकता है, यानी कि इससे कितने रिकवरी कर सकता है, उसी को कहा जाता है मेरे बच्चे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब हो गया, फिर से समझ जाए दोनों में फर्क आपको। अगर हम बात करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो आप सिर्फ मुझे ध्यान रखोगे, मतलब जिस एंटिटी की बात हो रही है आप उन्हीं की बात करोगे, वो कितने में बेच सकता है, उसको नॉर्मल कितना पैसा मिल सकता है। तो ये जो है ना बच्चे, ये जो आपका है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये आपका का ये जो है एंटिटी स्पेसिफिक है। एंटिटी स्पेसिफिक का मतलब कि ये वैरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मेरे लिए कुछ अलग होगा, आपके लिए कुछ अलग होगा, किसी और के लिए कुछ अलग होगा। लेकिन जब बात करते हैं ना फेयर वैल्यू का, तो फेयर वैल्यू का मतलब होता है जो उस मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए वो सेम होगा। मतलब मुझे इस कंप्यूटर का फेयर वैल्यू देखना है, यार कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत ज्यादा मैं इसको बेच सकता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस में बेच सकता हूँ। तो मैंने देखा यार ये जो आपका लक्ष्मी नगर है ना, यहाँ ऐसा नहीं है, अगर मुझे इसको बहुत अच्छे प्राइस में बेचना है तो दिल्ली में मेरे बच्चे एक जगह है नेहरू प्लेस, कभी आएंगे मैं आपको घुमाऊंगा, ये कंप्यूटर का ही मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कंप्यूटर को सिर्फ लेने के लिए। तो मुझे अगर ज्यादा प्राइस से बेचना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू को जानने के लिए आपको मोस्ट एडवांटेजियस जो मार्केट होता है उसमें जाते हैं, और कोई भी जो आपके जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, जरूरी नहीं कि आप, कोई भी बंदा वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस में कितने में उसको बेच सकता है और रिकवरी कर सकता है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो जरा बताओ क्या आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है, सुनो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अहो सर इस प्रोडक्ट को कितने बेच सकते हैं, फेयर वैल्यू मार्केट में जितने भी लोग हैं वो इस प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट प्लेस में, नॉट नेसेसरी कि जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हो जिस कर रहे हो, बेस्ट मार्केट में आप कितने में बेच सकते हो। इसका और भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है जो अभी आपको नहीं सोचना ई फॉर, क्योंकि आपका दिमाग में आएगा सर बेस्ट मार्केट तो फिर आप दिल्ली क्यों, आप इंडिया सोचो, इंडिया नहीं सर आप अमेरिका सोचो, आपको उतना नहीं सोचना, वो पढ़ेंगे जब हम आपका इंडेक्स 113 के अंदर आएंगे। अभी तो बात कर रहे हैं यार कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के अंदर में मैं प्रोडक्ट कितने में बेच सकता हूं आपका अपने मार्केट में, उसको हम बोलेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दिल्ली के अंदर में कोई भी नॉट नेसेसरी में जो मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि जो बायर सेलर है, उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने प्राइस में मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में परचेज सेल करने को तैयार है, हम उसको बोलेंगे फेयर वैल्यू उस प्रोडक्ट का। बात समझ आ गई, अभी इसका डिटेल चर्चा भी और करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना। तो ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कहीं कहीं क्या होगा जी, इंडेक्स 2 में आपका वर्ड करेगा एनआरवी, तो एनआरवी का मतलब सर की बात हो रही है, एंटिटी की बात हो रही है। जब हम बात करेंगे फेयर वैल्यू का, तो मार्केट एट लार्ज का बात हो रहा है, पूरे मार्केट में प्रोडक्ट कितने में आसानी से बिक सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। यही बात मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जरा सुनना, डिफरेंस बिटवीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। कहते हैं एनआरवी का मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल।
आप ना एक काम करना, अभी जब मैं बोलूंगा तो इसको पॉज करके आप लिख लेंगे, और यहां पे आप इसको ऐसे कर देना, एंटिटी स्पेसिफिक प्राइस, है ना। डिटेल हम समझेंगे अभी जब थ्योरी पढ़ेंगे। और मेरे बच्चे फेयर वैल्यू का मतलब प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट। यहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट की बात की जा रही है, यहां पे आपके सीओसी की बात नहीं की जा रही है ना। कहता है कि एट द मेजरमेंट डेट, मेजरमेंट डेट मतलब जिस दिन आप उसकी वैल्यू को निकाल लो, जिस दिन इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज को वैल्यू कर रहे हो, उस दिन इन द मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट आपका इंडेक्स, सॉरी 113 ये 113 गलती से 103 लिख दिया यहाँ पे, इंडेक्स 113 आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट में हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। बात समझ आ गई? ये सर अब ना आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब फेयर वैल्यू बोलूंगा तो दिमाग क्या बोले, अच्छा पूरा सर मार्केट एज होल की बात कर रहे हैं कि उसमें प्राइस क्या आपका मैक्सिमम हो सकता है। और जब हम बात करते हैं जी आपका एनआरवी का, तो एक एंटिटी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं, वो उसको कितने बेच सकता है वो देखते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ इसके आगे, मुझे अब इसका स्टार्ट करना है जी प्रैक्टिकल पार्ट, और उसके लिए आप लिखेंगे मेरे साथ। आप एक काम करना, और वीडियो को पॉज करके मेरे बच्चे, वीडियो को पॉज करके आपने पहले इसकी कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके आगे अब लिखना कंटिन्यू करूंगा। हाँ जी, मैंने इसको मिटा दिया, समय कुछ बच जाए हमारा, मिटाने में टाइम बर्बाद ना हो। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ मेरे बच्चे, मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए, अब आपको मेरे साथ लिखना शुरू करना है, मेरे साथ लिखना शुरू करना है। जैसे जैसे बोलूंगा लिखना, जब बोलूं कि रुक जाओ तो रुक जाना, लिखना तो लिखना। स्टार्ट कीजिए आप मेरे साथ, लिखेंगे आप मेरे साथ। यहाँ पे हेडिंग डालिए कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। अब हम लोग इन्वेंट्रीज की वैल्यू को निकालना शुरू कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। नंबर ए, पहले हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, जो गुड्स बन के तैयार हैं या अभी कुछ कंप्लीट होना बाकी, तो उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट में हमारा स्टडी होगा जी वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो आपके रॉ मटेरियल्स बाकी होते हैं, हम उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, मतलब मटेरियल सप्लाईज की बात कर रहे हैं। तो आज ना पहले लिखिए मेरे साथ, नंबर ए हेडिंग डालेंगे आपका हेडिंग में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP की हम शुरुआत करते हैं, है ना। लिखिए मेरे साथ, थोड़ा यहां से लिखेंगे, दे आर वैल्यूड, हम इनको वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड एनआरवी। मैंने आपको बताया हुआ है एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और हमने कहा था ये एंटिटी स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिसके इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो वो उस प्रोडक्ट को ऑर्डिनरी बिजनेस में बेचकर वो कितना पैसा रियलाइज कर सकता है, उसको एनआरवी कहते हैं। थोड़ा सा आप लिखेंगे इसके नीचे में, अब नोट शुरू करेंगे आप। नोट नंबर वन लिखना, एनआरवी इज इक्वल टू नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि नॉर्मल मार्केट में कोई आपका एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया, उस समय प्राइस बढ़ गया घट गया, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नॉर्मली मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो आपका होता है, उस प्राइस में आप माइनस करेंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल, है ना, जो सेल से जुड़ा हुआ डायरेक्टली खर्चा है। जैसे कि हमने आपको बताया था जी, फॉर एग्जांपल इसमें क्या किया जाएगा, तो एक आपका कमीशन ऑन सेल लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, कमीशन ऑन सेल हो गया। हो सकता है फ्रेट चार्जेज, है ना, बॉर्न बाय सेलर फॉर डिलीवरी,
है ना, जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ उसको डिलीवर्ड करने के लिए जो खर्चे होंगे, अगर सेलर यानी कि मैं बियर करूंगा तो वो भी माइनस कर देंगे जी, ऐसे जो भी नाम निकल के आए, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस में से आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल। इसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज माइनस करेंगे, एक और चीज सर, वो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सर ये क्या है मेरे बच्चों, लिख दो पहले ब्रैकेट में, इन केस ऑफ, या ऐसे ओनली ओनली इन केस ऑफ, इन केस ऑफ डब्ल्यू आई पी, वर्क इन प्रोग्रेस। सर ठीक से समझाओ ना, मेरी बात ध्यान सुनेंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। मेरे बच्चों कहते हैं कि देखो एनआरवी का मतलब होता है सिंपली आपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस में एस्टिमेटेड एक्सपेंसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल, यानी कि इनको माइनस कर दो। ये तो तब होगा ऊपर वाला पार्ट जब वो फिनिश गुड्स है, क्योंकि फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू आई पी हम दोनों को स्टडी कर रहे हैं, तो कहते हैं कि डब्ल्यू आई पी जो होगा वर्क इन प्रोग्रेस, उसका जब एनआरबी निकाला जाएगा तो ये जब फिनिश गुड्स बन जाएगा तो कितना नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगा, उसका सेल करने में डायरेक्टली खर्च कितना लगेगा, और यही नहीं क्योंकि अभी वो इनकम्प्लीट है तो इसको कंप्लीट करने में जो खर्च लगेगा वो भी तो हमें यहां से माइनस करना होगा, एग्जैक्ट पता करने के लिए कि हमें कितना रिकवरी होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे आप यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर वन लिखेंगे आप यहाँ पे, कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि एक आपका यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं जी स्टॉक, स्टॉक ऑफ यहाँ पे आपका फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, और यहां दिखा रहा हूं वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्यू आई पी, ठीक है ना, ये दो गुड्स है। कहता है इन दोनों गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है, ये स्टॉक हटा दो बस, दोनों ऐसे नाम लिख दो आप यहां पे, है ना, यहां लिखिए सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगा, आपको समझना होगा। इसका मान लो आपका सपोज के रुपीज 90 है मेरे बच्चे, 90 रुपए है ना सेलिंग प्राइस इसका 90 है, इसका कुछ नहीं बता रहा है। फिर कहता है कि आपका कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल यानी कि जब बेचूं तो कहता है कि हमें यहां पे कमीशन पे करना पड़ेगा, और कमीशन कहता है कि 5 रुपीज पे करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं बता रहा है ना, कुछ नहीं बता रहा है। फिर कहता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस इंटू फिनिश गुड्स, जो स्टेज अभी आपका है डब्ल्यू आई पी का, उसको देख के लगता है कि यार इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में अभी यहाँ पे 18 रुपीज का और खर्च लगेगा, मतलब अभी जितना कंप्लीट है उसमें 18 रुपीज और खर्च करना पड़ेगा तब जाके वो आपका कंप्लीट होगा, है ना। यहाँ कुछ नहीं बता रहा, बोलता है कि कैलकुलेट, आपको यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट एन आर वी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। तो सुनो ना मेरी बात, सोल्यूशन के अंदर में अगर आपको एन आर वी ऑफ निकालना है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, तो मुझे बताइए आपका फिनिश गुड्स का नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है, 90 रुपीज, 90 रुपीज, 90 रुपीज में कितने एक्सपेंसेज है जो डायरेक्टली सेल से जुड़े हुए, 5 रुपीज, माइनस कर दो, कितना हो गया आपका 85, ये 85 निकल गया, समझ मारी बात, ये सर। अब लिखो यहां पे अगर आपको निकालना है एन आर वी नेट रिलेटिव वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्यू आई पी, मेरे बच्चे बताओ इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सर नहीं बता रहा है, ऑब्वियस बात है आधे अधूरे कंप्लीट वर्क को कौन लेगा, कोई नहीं, तो आप बताओ इससे जो फिनिश गुड्स बन के तैयार होगा उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है, 90, तो विल टेक 90 आपका, ठीक है। मुझे बताओ इसको बेचने में खर्च कितना होगा डायरेक्टली, 5, उसको आप माइनस करेंगे, 5 आपका। अच्छा मुझे बताओ क्या आपको 85 रुपीज इससे रिकवरी होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि अभी इसको जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 18 रुपीज खर्च लगना है, मुझे बनाना पड़ेगा, इतने पैसे खर्च करने होंगे, तो उस केस में 90 माइनस 5, इसमें से 18 भी आप रिकवर नहीं कर पाओगे। अगर 90 में किसी को सेल करते हो तो 5 रुपए तो ऐसे खर्च होगा, 18 बनाने में भी उसको खर्च लगेंगे, तो हमारे पास जो एनआरवी निकल के आएगा वो 90 माइनस 5 माइनस 18
बताइए कितना निकल के आ गया। 85 में 18 माइनस कर दो, 85 में 18 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 67 रुपीज का अमाउंट। तो ध्यान रखना, ये जो आपके इंडेक्स 2 में जो लिखा हुआ है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस में एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल, वो तो बात समझ में आ गई, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ये उन्होंने नहीं लिखा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कब होगा जी, जब WIP का केस होगा, क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन उसको कंप्लीट करने का तो ऑब्वियस बात है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? यस सर। तो मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि एनआरवी का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको चलता हूँ कॉस्ट, हमें दो चीज को समझना था, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, है ना। एक एग्जांपल और ले लो, एग्जांपल नंबर 2, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ जी। कहता है क्वेश्चन के अंदर में, एज्यूम इन एग्जाम्पल वन, पहले वाले एग्जाम्पल में ज़ूम करें कि कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू रुपीज, मैं लेता हूं 74। मान लो आपका जो फिनिश गुड्स है उसका कॉस्ट, सर कॉस्ट कैसे निकलता है वो आगे का विषय मैं आपसे बात करूंगा, पहले समझ लो। उसी क्वेश्चन में मान लो ये सारी बातें जो है ना बच्चे, ये एक यूनिट का ही है, एक यूनिट आपका ये है, एक एक यूनिट की बात की गई है, आप ध्यान रखना, है ना। मैंने यहाँ पे जो बताया, कहता कि आपका कॉस्ट दे रहा है एक यूनिट का फिनिश गुड का 74, तो बोलता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP एट द एंड। आपको उस डेट पे, उस दिन पे आपको निकालना वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो मैं सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं, पहले मैं फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालूंगा, फिनिश गुड्स का। मुझे बताओ अगर आपको फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या कंपेयर करना होगा, कॉस्ट प्राइस, हमें एक तरफ कॉस्ट प्राइस देखना होगा और एक तरफ देखना होगा उसका एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मुझे बताओ इस फिनिश गुड्स का एनआरवी हमने निकाला ना, कितना निकल गया 85, यहां लिखेंगे हम 85, ठीक है। उसकी कॉस्ट कितना बता रहा अभी आपका 74, तो हम इसको 74, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा हम उस पे उसको वैल्यू कर लेंगे, यानी कि 74 रुपीज। तो फिनिश गुड्स की जो बुक में वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी वो 74 रुपीज होगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया अगर फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते, लॉस होने वाला तो हम उसकी रिकॉर्डिंग आज कर लेते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है ये कि जो हमने 74 में बनाया, बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 85, तो मैं उसको हम कॉस्ट पे दिखाएंगे जब तक ये बिक ना जाए। हाँ, एनआरवी अगर 74 से कम हो जाता तो फिर क्या, मैं उस पर दिखाता, क्योंकि लॉस होगा जी बेचने पे, तो फटाफट आज ही उसको मान लो और इन्वेंट्री की वही वैल्यू देखो जो एक्चुअली है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे WIP वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू का आपका यहाँ पे लगा रहा हूँ जी। वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका भी कॉस्ट प्राइस और इसका हम देखेंगे एनआरवी। मुझे बताइए WIP का एनआरवी कितना निकाला था, 67 रुपीज। हमने यहाँ पे 67 रुपीज निकाल दिया। बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कहीं पे भी वर्क इन प्रोग्रेस में टोटल कॉस्ट कितना है आपको नहीं बता रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल कॉस्ट कितना लगा आपको नहीं बता रहा, तो पता मैं क्या करूंगा, फिनिश गुड्स बनाऊं तो कितना कॉस्ट लगता, टोटल 74। आप मुझे बताओ 74 में अभी और खर्च कितना लगना बाकी है, 18 रुपीज। तो ये मानते हुए कि 74 में 18 रुपीज अभी खर्च नहीं लगा है, 74 में 18 अभी खर्च लगेगा, अभी थोड़े लगा है, तो आज तक जो खर्च लगा है 74 माइनस 18 ये आपका 56 रुपीज का अमाउंट निकल के आ गया, 56 रुपीज का। और मेरे बच्चे इसमें जो भी लोअर होगा हम उसी पे इसको वैल्यू करेंगे और कितना निकल के आ गया 56 रुपीज। क्या दिक्कत है बताओ ना, ये तो कोई भी कर ले। हमने एक यूनिट का निकाला, मान लो अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया साल के एंड में जब हमारा आपका इन्वेंट्री वैल्यू हो रहा है तो 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स है, मान लो कहता है 100, तो मैं क्या करता, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता,
कहता कि WIP में 200 यूनिट्स का बचा हुआ है, तो ठीक है 200 से, अरे ये तो 1 यूनिट का है ना बच्चे, जितना होगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बहुत सारी बातें करनी है, मैं सारी बातों को प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग शांत करते हुए सुनते चलो, मजा आएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ा कोई ऐसा चीज बता दूंगा कि यार सर ने क्या मस्त नॉलेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाले आप, है ना। हमने NRV का मतलब आपको बता दिया, NRV क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आए हैं, आएंगे भी, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन NRV। तो NRV का डिटेल डिस्कशन अभी हमने नहीं किया बच्चे, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जब मैं आपके इस इंडेक्स को खत्म कर लूंगा तो NRV का डिटेल डिस्कशन मैंने आपके बुक में भी दिया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और वहां समझाऊंगा भी एग्जाम में क्या क्या और कितना कितना लिखना है और कैसे कैसे, ठीक है ना। तो आपका हमने यहाँ पे खत्म किया किसके बारे में, आपका NRV। नाउ नोट नंबर टू है ना, लिखेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताओ कॉस्ट का मीनिंग क्या है, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, एक्चुअली इसका मतलब कि कॉस्ट में क्या क्या होगा, तो लिखेंगे यहां पे मेरे साथ, लिखेंगे इट इंक्लूड्स, साथ साथ लिखना आपको आगे पीछे नहीं, इट इंक्लूड्स कॉस्ट के अंदर में क्या क्या होगा जी, कहते हैं इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कहता है कन्वर्जन कॉस्ट और प्लस आप लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस या अदर कॉस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक था, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सर मतलब सब समझाऊंगा, लिख लो पहले आप यहां पे मीनिंग ऑफ कॉस्ट, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, फिर आपका अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, लोकेशन एंड कंडीशन आपका है। ये हमारा नोट नंबर टू था ना, नोट नंबर वन था NRV का जी, उसके बाद ये हो गया। अब लिखेंगे नोट नंबर थ्री सर पहले ये समझा दो, लिखो तो पहले ये कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स, साथ साथ लिखना है अगर आप इस इंडेक्स पे मास्टरी करना चाहते हो तो, इंक्लूड्स कहता है परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल्स प्लस इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर टैक्सेज ऑन परचेज। ध्यान रहे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपका नॉन रिफंडेबल, मतलब वही टैक्सेज आप यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब जिसका रिफंड अलाउड नहीं है, प्लस आपका ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग चार्जेस प्लस अब लिखेंगे अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ finished goods, materials, and
सर्विसेज, और इसमें माइनस कर दो आप एनी ट्रेड डिस्काउंट, एनी ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, रिबेट एंड सिमिलर आइटम्स, ये तब ब्रैकेट में इफ इंक्लूडेड इन परचेज प्राइस। सर मतलब लिखो ना, पहले आप सारी बातें समझाऊंगा, लिख लो आप यहां पे, मैं फिर अब आगे बढ़ू आपको समझाने के लिए, फिर इसके बाद आपको बताऊंगा क्या चीज है। मुझे मार्कर लेना होगा जी, एक ब्लू और एक लेना होगा रेड, तीन मार्कर हमेशा अपने पास में रखता हूं। सुनिए मेरी बात, हमने फिनिश गुड्स का देखा कि एनआरवी क्या होता है, अब हम देख रहे बच्चे उसकी कॉस्ट, लोअर ऑफ है ना कॉस्ट और एनआरवी, तो कॉस्ट का मतलब कहते भैया, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज एक्चुअली इसका मतलब है आपका कि डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लिख लो आप यहां ब्रैकेट में, ये मटेरियल कॉस्ट है, ये मटेरियल कॉस्ट है मेरे बच्चे। और कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है, यहां पे कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है, लिखेंगे आप डायरेक्ट लेबर, लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका। सर ये क्या है, थोड़ा सा ठहर के आप देखो, मैं इस कैलकुलेटर को बना के बेचता हूं, ये मेरा काम है जी, इसको बना के बेचना, मुझे मेरे पास 1000 पीसेज ऑफ कैलकुलेटर साल के एंड में पड़ा हुआ है, मुझे उसकी वैल्यू करनी है, तो मैं क्या करता हूं जी, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवरेज लेयर लोअर सॉरी। तो अब मैं इसका क्या कर रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस कंपेयर कर, कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं, जब मुझे इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा ना, तो एक तो पहले इसके लिए जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसको लूंगा जी, जिसको हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग भी है ना, इसमें जो आपके चीजें लगे हुए हैं, अब पता नहीं अंदर में क्या क्या चीजें हैं, बट उस सभी मेरे क्या है डायरेक्ट मटेरियल्स आपके हैं, तो एक तो इसका जो मटेरियल लगा वो लूंगा, फिर उस मटेरियल को जो मैंने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटर, ऐसे थोड़े ही बाकी मटेरियल परचेज किया और ऐसे हमने फेंका और कैलकुलेटर बन के नीचे गिर गया, ऐसा तो नहीं होता, हमें प्रोडक्शन करना होता है, कहां इसका प्रोडक्शन करना होता है, फैक्ट्री के अंदर में, ऑफिस में नहीं, शोरूम में नहीं, फैक्ट्री में। तो जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था उसको फैक्ट्री तक में बनाने में जितने सारे खर्चे किए वो भी तो इसमें ऐड होंगे, बोलो ना। यस सर, तो हमने क्या किया होगा फैक्ट्री में, एक तो लेबर लगाया होगा जी, लेबर का मतलब इस फैक्ट्री में जितने सारे लोगों ने मिलके इसके ऊपर में डायरेक्टली काम किया होगा, लेबर। और दूसरा, और भी फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे होते हैं, फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे होते हैं, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री के अंदर में आपको सुपरवाइजर काम कर रहा है, फैक्ट्री का मैनेजर काम कर रहा है, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, फैक्ट्री कितने सारे नाम बताऊं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमने कहा कि देखो जी, आपने क्या करना है कि जब आप किसी इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालोगे तो एक तो मटेरियल कॉस्ट लो और दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट लो, कन्वर्जन मतलब कि फैक्ट्री तक के सारे खर्चे, ये क्या है बाद में हम फैक्ट्री तक के सारे खर्चे। तो हमने कहा ये देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमने मटेरियल कॉस्ट ले लिया, समझेंगे मेरी बात, कौन सा मटेरियल, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल था हमने जो यहां पे लिया, उसके बाद हमने क्या किया जी, इनको कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड, इसको हमने कन्वर्टेड इनटू आपका फिनिश गुड्स, हमने इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, और इसको करते समय हमारा क्या लग गया, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट आपका। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया हमारे पास जी, हमने कहा कि भैया एक तो लेबर लगा होगा इसमें, तो डायरेक्ट लेबर हो गया, और लेबर के बाद जितने भी फैक्ट्री के अंदर में और भी एक्सपेंसेज हुए होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसको बोलते हैं, वो सारा खर्च हमने इसमें मिला दिया, ठीक है ना, हम उसके कॉस्ट निकाल दें। अब देखो यहां तक मुझे क्या दिख रहा है कि मटेरियल कन्वर्ट हो चुका है, क्या बन चुका है, कैलकुलेटर। मुझे बताओ कि क्या फैक्ट्री के अंदर में जब कैलकुलेटर बन के तैयार हो जाएगा फैक्ट्री के अंदर में, तो कैलकुलेटर बन गया, काम खत्म हो गया, क्या अब फैक्ट्री में उसको छोड़ दूंगा क्या? नहीं सर, ये जो फैक्ट्री में आपका बना हुआ है, फिर हम इसको क्या करते हैं, यहां से लेकर जाते हैं स्टोर में, स्टोर में या कह दो आप गोडाउन में, या कह दो अपने वेयर हाउस में, जहां पे हम उसको स्टोर करते हैं,
करते ना बच्चे, तो कहते कि फैक्ट्री से यहां तक जहां पे उसको स्टोर करना है, यहां पे पहुंचाने तक जो आपका एक्सपेंसेज लगा, एक्सपेंसेज इनकर्ड टू ब्रिंग देम इन प्रेजेंट लोकेशन, ध्यान से मेरी बात सुनना, लोकेशन एंड कंडीशन। ये जो खर्चे हुआ ना बच्चे, अब इसमें कौन से खर्चे होंगे, बिना किसी डाउट के कोई भी कह सकता है कि सर ये जो फ्रेट लगा होगा, यहां भी तो भाड़ा लगा होगा फैक्ट्री से वेयरहाउस में लेके जाने में, सामान को यहां से यहां लोडिंग कराने में जी, हो सकता है आपने कुछ प्राइमरी पैकिंग, जब आपने कैलकुलेटर को यहां से यहां लेकर जाओगे तो ऐसा थोड़ा कि कैलकुलेटर को आपने यहां से फेंका और जाके आपका वेयरहाउस गोडाउन में जाके बैठ गया, ऐसा तो नहीं होगा। हमने उसकी पैकिंग की होगी ताकि वो लॉस ना हो जाए, खराब ना हो जाए, और पैकिंग में करके हमने उसको वहां पे पहुंचाया होगा। ये जो पैकिंग आप कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। मेरे बच्चे, पैकिंग दो तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है कि जो हम पैकिंग करते हैं गुड्स को आपका डैमेज होने से बचाने के लिए। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब होता है कि जिससे हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। सुनो मेरी बात, तो प्राइमरी पैकिंग जो आपने यहां से यहां तक पहुंचाने में जो आपने किया, उसको हम क्या बोलेंगे यहां पे, आपका प्राइमरी पैकिंग। अगर मान लो मैं पेप्सी बनाता हूं, मैं कोक बनाता हूं, तो पेप्सी जो बना यहां पे, अब थोड़े पेप्सी आपने जो बनाया वो क्या होगा जी, यहां से फैक्ट्री से ऐसे से करते जाओगे और गोडाउन में जाके, ऐसा तो नहीं होगा। यहां पे पहुंचाने के लिए जो आपके उसके कैंस आपके यूज किए गए हैं, जो बॉटल यूज किए गए हैं, वो भी आपका प्राइमरी पैकिंग है। उस बॉटल के ऊपर जो कागज लगा होता है ना, जिसपे कि आपका लिखा हो जी पेप्सी पियो और ये करो वो करो, वो आपका सेकेंडरी पैकिंग है, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्राइमरी खर्च जो यहां पे होगा ना, हमने एग्जांपल में क्या बताया, अगर एग्जांपल करें तो मैं यही लिख देता हूं जी, कॉस्ट ऑफ परचेज मटेरियल कॉस्ट हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट हमने ले लिया जी, अब हमने कहा अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। फॉर एग्जांपल लिख लो आप यहां पे क्या, प्राइमरी पैकिंग आपका है ना, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट हो गए। उसके बाद क्या जी, आपका फ्रेट एक्सपेंसेस टू गोडाउन तक पहुंचाने तक का जो आपका फ्रेट लगा। यही नहीं, कोई मान लो स्पेसिफिक, कहते हैं स्पेसिफिक डिजाइन कॉस्ट, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, हो सकता है इस पे आपको कोई केस ले आ जाए, स्पेसिफिक डिजाइन कॉस्ट ऑफ, या फिर ऐसे लिखिए, माफ कीजिए, डिजाइन कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मान लो मेरे पास कोई कस्टमर आता है, बोलता है भैया मैं ना आपका जो प्रोडक्ट है ना वो ऐसे नहीं लूंगा जिस तरीके से आप बनाते हो, मुझे एक टेलर मेड चाहिए, मतलब एक अलग से डिजाइन चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए। तो पता मैंने क्या किया, वहां पे वो एक डिजाइनर को बैठाया, उसकी बातें सुना कि यार वो क्या बोल रहा है, और उस डिजाइन को मैंने तैयार कराया। उस डिजाइन को तैयार कराने में मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, तो वो भी अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंगिंग द आपका इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उस कंडीशन तक पहुंचाने तक में वो भी खर्च माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहां बोली गई है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, और फिर आपका ये अब जो खर्च होगा ना, ये खर्च जो होगा ये हमारा क्या होगा जी, ये कॉस्ट हो गया कॉस्ट ऑफ क्या, आपका इन्वेंट्री, ये हमारा इन्वेंट्री का कॉस्ट हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक डाउट बच्चों को और होता है, मैं उसको क्लियरिफाई कर दूं कि देखो यहां पे अगर फैक्ट्री से लेकर आपका जो गोडाउन में गुड्स रखा गया, एक तो ये हो गया, फिर आपका एक खर्च हो रहा जी शोरूम से आपका कहां जा रहा है, वो कस्टमर के पास आपका, ठीक है ना, मतलब ये हो गया आपका डिलीवरी कॉस्ट है ना, यहां भी भाड़ा पे किया जा रहा है, और ये आपका हो गया फ्रेट टू गोडाउन, मतलब फैक्ट्री से ले जाने का आपका गोडाउन। तो आप समझना, ये जो भाड़ा आपका लग रहा है फैक्ट्री से गोडाउन तक पहुंचाने का, इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का पार्ट होता है। और ये जो भाड़ा है ना बच्चे, इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग
एन आर वी नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इसके बाद यहां का जो भाड़ा होता है ना, बाकी भाड़ा, वो ना तो यहां कंसिडर होगा ना यहां कंसिडर होगा। हो सकता है कि आपका गोडाउन से शोरूम जाने का भाड़ा, वो कॉस्ट भी नहीं है। कॉस्ट का मतलब जो डायरेक्टली कॉस्ट तो और भी बचे लग रहे होंगे जी, ऑफिस खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव के सारे खर्च थोड़े हम कॉस्ट में बोल रहे हैं। इंडेक्स 2 कहता है कि कॉस्ट का मतलब क्या, सिर्फ ये खर्चे, हम इनकी बात कर रहे हैं। देख रहे हो, फैक्ट्री तक की बात कर रहे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के कुछ हमने खर्चे लिए नहीं है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, आपके पास दिमाग में बैठना चाहिए कि यार जब सर बात कर रहे हैं कॉस्ट का, तो कॉस्ट का मतलब ये भाड़े की बात कर रहे हैं। जब एनआरबी की बात कर रहे हैं, तो ये डिलीवरी कॉस्ट जो है, जो बॉर्न बाय सेलर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये बात दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आगे कन्फ्यूजन होगा जो मैं नहीं चाहता कि आपको हो। ठीक है ना, मैं इसको मिटा दूं। यस सर, लिखना है आपको, यस सर। तो आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो, नहीं किया तो, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं रुकने वाला। आप चाहे कितना भी कोशिश करो ना कि सर को रोक लूं मैं, आप नहीं रोक सकते मुझे, आपके पास वो शक्ति ही नहीं है। हाँ, मेरी गति को सिर्फ अपने लिए रोक सकते हो, मुझे नहीं। वो आपके पास है ना, आपके पास रिमोट, या फिर आपका लैपटॉप में जो बटन, उसको स्टॉप कर दो, मैं रुक जाऊंगा, आगे बढ़ता हूं। नाउ अब हम थोड़ा और डिटेल में गए। जब कॉस्ट ऑफ परचेज यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा? इट्स वेरी सिंपल। जब हम बात करते हैं ना मटेरियल कॉस्ट का, मेरे बच्चे, ये आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ परचेज आपका होगा, तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या होगा? अरे वो सारे खर्चे जो मैंने इसके लिए रॉ मटेरियल जो परचेज किया है, उस पर जितने सारे खर्चे किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं, मैंने इसको परचेज किया, मान लो सपोज किया अमेरिका से, इसका रॉ मटेरियल। जब मैं रॉ मटेरियल इसका परचेज किया अमेरिका से, तो एक तो परचेज प्राइस लगा। अब अमेरिका वाला कहता है कि देखो जी, इसका जो रॉ मटेरियल है ना, वो 5 लाख रुपीज का है, मान लो INR की बात करो इंडियन करेंसी में, कि 5 लाख रुपए का है। हमने कहा कि ठीक है, 5 लाख रुपीज में हमने क्या किया, उनसे बोला कि यार कुछ डिस्काउंट कर दो, नेगोशिएशन हुआ। तो 5 लाख का सामान जो था ना, 5 लाख का, उसमें उसने मुझे क्या किया, 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट कह दो, क्वांटिटी डिस्काउंट कह दो, कुछ भी, और कहता है कि 4,50,000 मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो ठीक है, 4.5 लाख रुपए, ऑब्वियस बात है। फिर उस रॉ मटेरियल को अमेरिका से जब मैं लेकर आया इंडिया में, तो मुझे 40,000 फ्रेट पे करना पड़ा, वो भी कॉस्ट ऑफ परचेज है। मटेरियल का मतलब कि मटेरियल को लाने तक में जितने सारे खर्च पड़े, कहां तक, टिल योर गोडाउन, टिल योर फैक्ट्री आपका। फिर क्या हुआ जी, अब जब मेरा यहाँ पे पोर्ट पे आया, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ा। लेता है ना गवर्नमेंट कि भैया आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी पे करो इस पे, तो चलो 30,000 का हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया। तो ये जितने सारे टैक्सेज आप इस पे किए, ध्यान रखना, ये तभी आप यहाँ पे कंसिडर करोगे अगर वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने टैक्स पे किया और गवर्नमेंट उसका रिफंड क्लेम कर लिया, या उसको आपने एडजस्ट कर लिया, तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, मस्ट बी नॉन रिफंडेबल। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा कि भैया जितने भी आपके परचेज प्राइस है वो ले लो, कुछ आपका इसमें ट्रेड डिस्काउंट इसे, तो उसको माइनस कर देना। आपने क्या किया, उसको फ्रेट सब जो है वो ऐड कर देना, इंपोर्ट ड्यूटी कुछ लगा हुआ आप ऐड कर देना। इसके बाद मतलब कुछ हैंडलिंग चार्ज, अब जो आपने क्या किया, उसको लेकर आए फैक्ट्री में पहुंचाया, कुछ वर्कर के थ्रू आपने वहां, आप खुद तो वजन नहीं उठाया होगा, पोर्ट से लेकर आप जब फैक्ट्री में लेके आ रहे होगे सामान को, कई बार लोड अनलोड किया गया होगा, उसके हैंडलिंग पे कुछ खर्चे आपके हो गए। ये सारे खर्चे क्या हो गए जी, आपके कॉस्ट का पार्ट होगा। क्या ये भी पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है क्या? क्या हम इतने छोटे बच्चे हैं, हम नहीं समझ सकते कि यार कोई सामान अगर परचेज करते हैं, तो हमें अपने उस जगह पे जहां पे उसको यूज करना है, वहां तक पहुंचाने तक में सारे खर्चे क्या करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे। वही बात तो है, कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या जी, परचेज प्राइस लीजिए मटेरियल का, इंपोर्ट ड्यूटी या कोई और टैक्स जो परचेज पे हो, लेकिन तभी जो नॉन रिफंडेबल हो, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग चार्ज को आप ऐड कीजिए। कौन से ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा, लाने वाला, कोई और भी एक्सपेंसेस है डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स मटेरियल एंड सर्विस, अब ये कौन से खर्च होंगे? हो सकता है कि यहां पे परचेज करते समय कोई बीच में एजेंट है, वहां भी तो हो सकता है, तो एजेंट को हमने कमीशन पे किया, वो भी हमारा कॉस्ट का पार्ट होगा, दैट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि अगर मान लो यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे क्या दे दूं जी, कमीशन ऑन परचेज ऑफ मटेरियल, है ना, हमने यहां पे लिया, तो वो भी अच्छा। अब यहां पे एक बात ध्यान देना होगा, अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ फिनिश गुड्स मटेरियल एंड सर्विसेज। कहता कि एक तो फिनिश गुड्स, अगर हमने फिनिश गुड्स परचेज किया, मतलब फॉर द रीसेल,
फॉर द रीसेल पर्पस, तो उसके ऊपर भी कमीशन हम पे कर सकते हैं। या फिर गुड्स का अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करने के लिए मैंने क्या परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उस रॉ मटेरियल को जो परचेज किया उस पर भी कमीशन पे कर सकता हूँ। तो जो भी गुड्स होगा, जो भी गुड्स होगा, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड यानी कि फिनिश गुड्स रहा होगा जी, यहाँ फिनिश गुड्स का मतलब क्या हो गया, जो मैं परचेज कर रहा हूँ फॉर द रीसेल पर्पस, वो आपका हो गया। तो ऐसा कुछ गुड्स हो या फिर आपका रॉ मटेरियल हो, उन सबके ऊपर में कॉस्ट को आपको यहाँ पे लेना है, कोई भी खर्च जो उसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बात समझ आ रही है। तो जब हम कॉस्ट ऑफ परचेज निकालते हैं तो हम इनको भी कंसिडर करते हैं। और फिर एनी ट्रेड डिस्काउंट रिबेट सिमिलर आइटम, मतलब ये ऐसे कोई भी नाम अगर दिख जाए, इफ इंक्लूडेड इन परचेज प्राइस, अगर ये इसमें से माइनस नहीं किया गया है, तो मतलब अगर ये ग्रॉस प्राइस लिया गया है, ग्रॉस, तब तो आप इसको माइनस करेंगे। अगर ये नेट दे दे, नेट मतलब कि 450, तो दोबारा थोड़े माइनस करेंगे। ये तो लॉजिक है यार, ये तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को बोला जाए वो भी समझ जाएगा। तो हमने आपको क्या किया बताया, दिमाग शांत, दिमाग शांत। अरे शांत दो मिनट हो जाओ ना, क्या जिंदगी है, क्या मतलब पढ़ाई 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 ऐसे थोड़े चलना है, अरे थोड़ी मस्ती भी तो होनी चाहिए, मस्ती आओ करते हैं। हमें फिनिश गुड्स को या WIP को वैल्यू करना है तो कॉस्ट प्राइस और NRV विच एवर इज लोअर। NRV का मतलब मैंने आपको बताया जी कि क्या होता है, फिनिश गुड्स का भी कैसे निकालेंगे, WIP का भी कैसे निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसके कॉस्ट को जान रहे हैं कि आखिर कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा। हमने कहा कॉस्ट निकालना, एक तो मटेरियल कॉस्ट ले लो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद क्या करना जी, आपने कन्वर्जन कॉस्ट और कोई और भी खर्चे आपने इनकर्ड किए होंगे जो रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो भी खर्चे आप ऐड कर देना, बताया था मैंने आपको यहाँ पे, बोलो ना। हाँ यस सर, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा फिर आपका कि भैया ये जो मटेरियल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अरे मैं क्यों पढ़ू इंड एस टू को, ये तो एक तीसरा चौथा का बच्चा जो है ना, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा वो भी बता सकता है कि यार मैंने मान लो कि एक चॉकलेट खरीदा 5 रुपए का, और चॉकलेट खरीद कर लेकर जब आया तो वहां पे लाते समय 10 रुपए का पेट्रोल भी मेरा जल गया। तो कोई मुझसे पूछे कि यार पेट्रोल जो चॉकलेट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 15 रुपए, 5 रुपए का तो चॉकलेट था, 10 रुपए लाने में भी तो खर्च में 15 रुपए की कॉस्टिंग है, तो 15 रुपए कॉस्ट इसे मिला जाएगा, गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, वो जो दुकान वाला है उसने 1 रुपया छोड़ दिया, तो 5 का चॉकलेट 4 भी मिला तो 4 रुपए ही लूंगा मैं, इसके लिए इंडेक्स बनाने की रिक्वायरमेंट थी। अरे ये तो एक जो रोड पे आपका कोई ऐसा बच्चा है जो कॉमर्स का नाम भी नहीं सुना वो भी बता सकता है क्या इसका मतलब होता है। एनीवे कोई बात नहीं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि मटेरियल कॉस्ट आपको समझ में आ गया, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब कि आपका डायरेक्ट लेबर समझ में आ गया, फैक्ट्री के खर्चे समझ में आ गए। ना मैं अब आगे बढ़ता हूं, ये जो फैक्ट्री के खर्चे हैं ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट कितना था, तीसरा नोट, नोट नंबर 4 लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, नोट नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है, एग्जैक्टली क्या आपको लिखना है इसके अंदर में, लिखेंगे मेरे साथ आप यहाँ पे, लिखेंगे आप फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है, कन्वर्जन कॉस्ट लिखा दो, ये समझ में आ गया, ये प्लस ये सर समझ में आ गया, तो लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आपके हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स थोड़ा गैप छोड़ के, प्लस थोड़ा गैप छोड़ के वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स में सर क्या होगा, लिख लो यहीं पे, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, इसी जगह छोड़ा था मैंने एग्जांपल में, क्या वो खर्चे जो फिक्स्ड होते बच्चे, मतलब आप थोड़ा सोचो ना, फैक्ट्री के अंदर कौन से खर्चे हैं जो इनकर्ड होते ही होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन, इवन जीरो प्रोडक्शन हो जाए तब भी वो काम किया जाएगा, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, बोलो ना, फैक्ट्री का रेंट हो गया, मैं लिख दूं यहां पे रेंट ऑफ फैक्ट्री। आपका इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, थोड़े बोलता है कि यार एक बनाओगे तो इतना लूंगा, वो तो पूरे साल का चार्ज करता है। आपका सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी ऑफ आपका फैक्ट्री मैनेजर है ना, ये फैक्ट्री मैनेजर जो होते हैं
इनको जो आप सैलरी पे कर रहे हो ये सभी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इनको नहीं कि भैया आपका एक्सपेंसेज कितना और क्या नहीं हो रहा है। डेप्रिसिएशन आप जो चार्ज करते हैं ऑन फैक्ट्री एसेट्स, आप जानते हैं कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हम टाइम बेसिस पे चार्ज करते हैं इन अकाउंट्स एज वेल एज आपका इनकम टैक्स। तो उस केस में हमने क्या किया, आपका यहाँ पे जो भी ऐसे चीजें हो जाएंगे सब यहाँ कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। और वेरिएबल का लिखे यहाँ पे, ये प्लस फंस गया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएंगे जी वेरिएबल के अंदर में, तो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल आपके हो गए, जैसे फर्नीचर बना रहा हूं तो फर्नीचर बना रहा हूं तो वुड जो लग रहा है मेरे पीछे डायरेक्ट मटेरियल है, उसमें जो फेविकल फेविकॉल ये सब लग रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएंगे, है ना। तो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल आपके हो गए। फिर आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर हो गया, या इसको छोड़ दो आप, वहां पे काफी है वेरिएबल के अंदर में। उसके बाद आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ले सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ना, जो जितना प्रोडक्शन करोगे उससे बढ़ेगा घटेगा, बाकी चीज आप जानते हो। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम क्या करते हैं, फिक्स प्लस वेरिएबल आपका, ठीक है ना। नोट नंबर फोर, नोट नंबर फाइव लिखेंगे आप यहाँ पे, नोट नंबर फाइव कहते हैं, फाइव के अंदर में लिखना वेरिएबल, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आर एलोकेटेड, आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। सर मतलब लिखो ना, अभी समझाऊंगा। प्रोडक्शन, और आप नोट नंबर सिक्स लिखेंगे आप यहां पे, नोट नंबर सिक्स, नोट नंबर सिक्स कहते हैं कि आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एलोकेटेड, आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। सो नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है, लिखो बताऊंगा। नॉर्मल कैपेसिटी फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करना पॉइंट नंबर सिक्स के अंदर में, बट, बट इफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडेड नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी कर दो या नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ भी, कॉमा देन फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। सर समझाओ ना, मैं आपको बताता हूं, लिख लो आप यहां पे, मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊं। और इसके लिए ना मैंने कई सारे एग्जांपल भी बना के आपके लिए रखे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन बुक के अंदर में, तो आप यहां पर लिख लीजिए। अब मैं बुक के क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करूंगा, मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन कराने हैं। एक्चुअली जब मैं इसको सोच रहा था कि कैसे लिखूं क्या करूं, तो मैंने खून अपना काटा था बच्चे, और रास्ते में आ रहा था, मेरे पास रेड पेन था नहीं, मुझे रेड से लिखना था कि फटाफट ध्यान है कि बच्चों क्या कराना है, तो मैंने अपना खून काट के यहां पर लिखा था। ये देखो आपको दिख रहा होगा, आप मेरी बात को मानो, मेरी बात मानो, मैं झूठ नहीं बोलता। लिख लो पहले आप, मैं शुरू करता हूं आपको बताना। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आप एक मटेरियल जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे जी, मटेरियल कॉस्ट लेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट प्लस कोई और खर्चे टू ब्रिंग देम इनटू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन। मटेरियल कॉस्ट का कैसे आपका होगा, मैंने वो बता दिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर में फैक्ट्री में जितने सारे खर्चे और लगते हैं अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल, वो हो जाएंगे कन्वर्जन में। जैसे कि फैक्ट्री के अंदर में कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, फैक्ट्री के अंदर में आपका लेबर लग रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट, सारे खर्चे मतलब हमें उसमें ऐड करना है। जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या, कुछ और भी खर्चे ऐसे जो कि हमें उसको प्रॉपर जहां पे स्टोर करना है उस फिनिश गुड्स को, वहां तक पहुंचाने में जो लगा, जो मैंने आपको बताया यहां पे, और फिर काम खत्म किया। आओ ना, एक काम करो, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू चेक करेंगे आप। कहता है आविष्कार लिमिटेड नॉर्मल कैपेसिटी
1 lakh unit. बहुत ध्यान सुनना ये क्या है, अभी आपको क्लियर करूंगा मैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ. फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 5 lakhs रुपीज. गिव द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड अंडर इंडेस 2 इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वाज 84 1 lakh and 120. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. अगर आप मुझे बस अनुमति दे दो एक बार तो मैं इसको मिटा दूं. अगर आप मुझे अनुमति दे दो तो इसको मैं मिटा दूं. और मुझे पता है कि अब ये बातें ना आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, एक्चुअली कुछ है नहीं. और अगर आपने एस टू मुझसे पढ़ा हुआ है ना, तब तो आपको नींद आ रही होगी कि सर क्या वही चीज़ दोबारा पढ़ा रहे हो, क्या करूँ, मजबूरी है, है पढ़ाने की, क्योंकि वही चीज़ है. बट क्या करें, आओ ना देखो. हमने कहा था कि आपका लिखना नहीं, मेरी बात सुनना, कन्वर्जन कॉस्ट जो होगा, सॉरी अगर आप कॉस्ट निकालते हो, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमने कहा क्या जी, आपका लिया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लिखना नहीं आपको, मेरी बात सुनना, प्लस हमने लिया कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट आपका, प्लस लिया अदर खर्चे. कन्वर्जन में कहा कि भैया एक तो आ गया आपका जी लेबर, डायरेक्ट लेबर, और प्लस आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स के दो पार्ट बन गए, एक आपका बन गया क्या आपका फिक्स्ड और दूसरा आपका वेरिएबल. पता है ये दो लाइन लिखाने की रिक्वायरमेंट क्यों आई, इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि ये जो आपके फैक्ट्री के खर्चे होते हैं ना, ये फैक्ट्री के खर्चे, वो जनरली क्या देखा जाता है कि जो फिक्स, मेनली जो फिक्स्ड होते हैं वो खर्चे आपका पर एनम होते हैं, एक साल का या एक महीने का या दो महीने का, पांच महीने का, वो एक यूनिट का नहीं होता. ये तो जो वेरिएबल खर्चे हैं वो पर यूनिट आप पता कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि वेरिएबल खर्चे एक यूनिट पे कितना लगा हमें पता चल जाएगा. क्वेश्चन में क्या करता जी, नहीं बताता एक यूनिट का कितना है. अगर क्वेश्चन में, रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, वो पूरे एक साल का बता दिया तो हम ठीक है जी, एक साल में जितना हमने यूनिट्स बनाया हम उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा एक यूनिट का खर्च निकल जाएगा. यहाँ पे एक यूनिट की रिक्वायरमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट इसलिए आ रही है क्योंकि जितने भी गुड्स आपने बनाए होंगे वो सारे इन्वेंट्री में नहीं पड़े हुए. मेरी बात समझ रहे हो सकता है कि हमने 5 लाख यूनिट्स बनाया होगा, पूरे साल में प्रोडक्शन किया होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 10,000 पड़े हैं जी एंड में, तो हमें 10,000 का वैल्यू निकालना है ना. और इस 10,000 का वैल्यू निकालने के लिए एक यूनिट पे हुआ कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा. ये जो मटेरियल कॉस्ट है मैं एक यूनिट का बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, कितना खर्च लगा मुझे पता है. मैं यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर कॉस्ट भी एक यूनिट का निकाल सकता हूँ, ये भी ठीक है. बट यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जो फिक्स खर्चे हैं वो जनरली पर एनम का या गिवन टाइम पीरियड का होता है. तो उस केस में कहते हैं कि ये जो खर्चे आपका होगा अगर आपको एक यूनिट पे निकालना है, तो हमने कहा कि भैया आप जो नॉर्मल कैपेसिटी है ना, नॉर्मल कैपेसिटी आपके प्रोडक्शन का, उससे डिवाइड करो. नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है कि कंसिडरिंग आर एफिशिएंसी, आर ह्यूमन रिसोर्सेज, आर क्या बोलते हैं ये कैश रिसोर्सेज, हम लोग कितना आसानी से एक प्रोडक्शन कर सकते हैं एक साल के अंदर में. हर एक कंपनी का मेरे बच्चे, हर एक कंपनी का एक नॉर्मल कैपेसिटी होता है. आपने प्लांट जो है कितने उसका बनाया है, मतलब प्लांट की कैपेसिटी क्या है. अगर मान लो मैं कैलकुलेटर बनाने का आपका मशीन खरीदता हूं, तो मशीन को खरीदने के टाइम पे मैं पूछता हूं कि बताओ जी जो मशीन इस कैलकुलेटर को बनाएगा उसकी कैपेसिटी कितनी है. वो कहता है देखो जी आप एक साल में 10 लाख बना सकते हो. तो ये जो 10 लाख बना सकता हूं, दिस इज द नॉर्मल कैपेसिटी. ये नॉर्मल कैपेसिटी होता है मेरे बच्चे, बात समझ रही है. ये नॉर्मल कैपेसिटी होता है, ये कंपनी टू कंपनी जज किया जाता है. हम जब रियल लाइफ में जाएंगे तो इसको समझेंगे. आपका हमें यहाँ पे बस क्वेश्चन में दिया रहेगा नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब जो मैं बड़े आराम से बना सकता हूँ एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर में. और एक्चुअल जो प्रोडक्शन आपका होता है वो नॉर्मल के बराबर भी हो सकता है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है. सर कम तो समझ में आता है कि मान लो हमने उतना नहीं बनाया तो कम हो गया, ज़्यादा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. अरे हमने डबल शिफ्ट लगा दिया, एक साल के अंदर में हमने जितना काम करना था 8 घंटे हमने डबल काम किया, हमने ट्रिपल काम किया, हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्शन ऐसा थोड़े. और ये नॉर्मल कैपेसिटी भी एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट थोड़े आपका है, एग्जैक्ट उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है. तो हम एलोकेशन कैसे करेंगे. अब आप देख रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू है ना. एक यूनिट का कॉस्ट निकालते समय पढ़ेंगे आविष्कार का नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि नॉर्मल कैपेसिटी आपको बता रहा है. नॉर्मल कैपेसिटी कितने का है जी, ये कहता है कि आपका 1 लाख यूनिट का, 1 लाख आपका यूनिट्स बता रहा है नॉर्मल है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं. सर कहता है कि आपका फिक्स्ड ओवरहेड जो लगा है ना फैक्ट्री, एक्चुअली फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ है फिक्स फैक्ट्री बोल देगा, फिक्स प्रोडक्शन कह देगा, मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत ना हो.
कहता है कि आपका 5 लाख है, तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ये आपका कितना बता रहा है, 5 लाख रुपीज का अमाउंट, 5 लाख रुपए। तो बोलता है कि आप मुझे ये बताओ कि इसका एलोकेशन एक यूनिट पे कितना होगा, गिव योर ट्रीटमेंट, गिव द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स ओवरहेड अंडर इंड एस टू इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वाज आपका 84,000, दूसरा 1 लाख और तीसरा कहता है 120। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, केस नंबर वन, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री, फैक्ट्री बोल देगा प्रोडक्शन मीनिंग सेम, ओवरहेड इफ कहता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है इज कितना 84,000 यूनिट्स, है ना, 84,000 बता रहा ना, 84,000, ये सर। तो अगर 84 तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना, सुनिए ध्यान से हम क्या करेंगे बच्चे। कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जरा निकालो यहां पे सॉल्यूशन के अंदर में कि आपका कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कितना निकल के आता है पर यूनिट। तो कहते हैं कि देखो जी उस केस में यहां पे क्या बताया था सर ने कहा था कि देखो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा वो एलोकेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। मेरे बच्चे नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब हो गया कि जो आपका 5 लाख रुपीज आपका एक साल का खर्च है वो नॉर्मल कैपेसिटी यानी कि 1 लाख से आप डिवाइड करेंगे, ये आ गया रुपीज कितना, 5 रुपए, है ना, पर यूनिट आपका, यानी कि आपका कॉस्ट, सॉरी ऐसे लिखिए फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड included in cost of production। आप बताओ जितने गुड्स का आपने प्रोडक्शन किया होगा उसके अंदर में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना इंक्लूड किया जाएगा जी। तो हमने कहा कि भैया एक यूनिट पे 5, हमने बनाया कितना था 84 ना, तो 84,000 इंटू आपका 5, बताइए कितना हो गया। अगर कॉस्ट का एलोकेशन हो रहा है तो कहते हैं भैया फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड किया जाएगा वो बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, तो बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी यानी कितना आ गया 5 रुपीज, तो 84,000 इंटू 5 टोटल कितना हो गया 4,20,000, 4,20,000 रुपये। अरे ये क्या, हमने तो 5 लाख रुपीज खर्च लगाया लेकिन जो कॉस्ट में प्रोडक्शन के अंदर में मटेरियल के अंदर में कह दो जो आपका एड हुआ तो सिर्फ 4,20 हुआ, तो बाकी, तो मेरे बच्चे बाकी को कहा जाएगा पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब हो गया जो कॉस्ट उस पर आपका अलग से लगा यानी कि अपार्ट फ्रॉम दिस वन, तो टोटल यानी कि 5 लाख में से आपने 4,20,000 तो आपने मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर दिया, बाकी जो बच गया कितना आपका 80,000, ये 80,000 पीरियड कॉस्ट है और सारे उस साल के जो पीरियड कॉस्ट होते हैं दे आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये जो 80,000 जो होगा ना बच्चे ये आपका ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आउट ऑफ 5 लाख रुपीज 4,20,000 आपके उस जो आपका प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ऐड होगा और बाकी 80,000 क्या होगा पीरियड कॉस्ट मानते हुए, पीरियड कॉस्ट मतलब जो लगना ही लगना उस आपका अलग से अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन वो हमने क्या करना प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देना है। आई बात समझ में, आप जल्दी से कॉपी करो, मैं अगले केस के अंदर में यहाँ पे एंट्री करना चाहता हूँ। हो गया, बोलो सर थोड़ा और समझा दोगे, आओ ना मैं आपको क्यों नहीं समझाऊंगा, ये देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्लू से लिख रहा हूं मतलब आपको लिखना नहीं है। आपने एक साल में जो 5 मान लो 5 लाख रुपीज का आपका एक्सपेंस होता है तो 5 लाख में से आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ना बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना ऐड कर दिया जाएगा कॉस्ट इसमें से 420, और जो बाकी 80,000 बच गया जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं हो पाया वो क्या होगा जी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा पीरियड कॉस्ट के रूप में और वो आपको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब एसपीएल में प्रॉफिट लॉस जो होगा उसमें हम क्या करेंगे 80,000 दिखा देंगे एक्सपेंस के रूप में अलग से, है ना, क्योंकि वो कॉस्ट तो ऐड हो नहीं पाया। नाउ कम टू द आपका केस नंबर टू, ठीक है जी, केस नंबर टू में
आप मुझे बताओ केस नंबर टू में यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है आप कितना बता रहा है? सर एक्चुअल प्रोडक्शन आपका यहाँ पे बता रहा है 1 लाख यूनिट का, है ना, 1 लाख यूनिट, ठीक है। क्या ये आपके नॉर्मल कैपेसिटी को एक्सीड कर रहा है? नहीं सर। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, फिक्स्ड फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट जो आप निकालेंगे वो क्या हो जाएगा जी, 5 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे। जब तक ये एक्चुअल प्रोडक्शन इसको एक्सीड ना कर दे, हम नॉर्मल के बेसिस पे ही निकालते हैं, ₹5 पर यूनिट आपका। तो जरा मुझे बताओ अगर ऐसा होता है तो आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपके गुड्स का, उसमें वो कितना ऐड हो जाएगा? हमने कहा कि 1 लाख बनाया ना, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यानी कि 1 लाख × 5, 5 लाख रुपीज, ठीक है। आप मुझे बताओ जो पीरियड कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट यानी कि एक्स्ट्रा खर्च जो ट्रांसफर किया जाएगा टू SPL या प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा जी? कुछ भी नहीं, नील, क्योंकि 5 लाख 5 लाख सारा तो प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड हो गया, तो फिर अलग सब क्या दिखाना है इसके अंदर में, ठीक है ना। ये आपका निकल गया, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। केस नंबर थ्री कहता है कि केस नंबर थ्री में एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, केस नंबर थ्री अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन केस नंबर थ्री में एक्चुअल प्रोडक्शन अगर मान लो वो कहता है कि आपका कितना हो गया जी, कितना था केस नंबर थ्री के अंदर, 1,20,000, 1,20,000 यूनिट्स, ध्यान से मेरे बच्चों, 1,20,000 यूनिट्स। हमने इसका एक्सेप्शन दिया था कि अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड करता है नॉर्मल को, तो फिक्स्ड ओवरहेड को हम क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब अब इस केस में आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कितना हो जाएगा, पर यूनिट चेक करेंगे आप, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना फिक्स, 5 लाख। अब इसको हम 120 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे बच्चे उस केस में अब कितना निकल के आ गया, 5 लाख/1 लाख, यानी कि ये आ गया, सॉरी माफ कीजिए, 5 लाख/1,20,000 है ना, यस 120, तो ये आ गया 4.167 राउंडिंग अप में पर यूनिट आपका, पर यूनिट। ध्यान से, अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सीड कर जाता है नॉर्मल से, तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट जो निकाला जाएगा ना वो एक्चुअल पर निकाला जाएगा, और उस केस में ध्यान देना टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो कितना ऐड किया जाएगा? तो आपने कितना बनाया था, 120, एक्चुअल प्रोडक्शन 120 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या लगा, 4.167, कितना आ गया, 5 लाख। तो जरा बताओ पीरियड कॉस्ट क्या निकल के आया, पीरियड कॉस्ट जो ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो नील हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 5 लाख, और 5 में से 5 लाख तो आपका कॉस्ट में ऐड हो गया, ये तो बचा कितना, नील अमाउंट, कुछ नहीं जाएगा। मतलब कहने का अगर आपका प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो अननेसेसरी कॉस्ट को इन्फ्लेट नहीं करना, फिर आपने कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर लेना, उसका कम कर लेना है, और अकॉर्डिंगली ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चाहे इन्वेंट्री में उसकी वैल्यू जाएगी। मतलब कहने का इन्वेंट्री में वैल्यू हमेशा जो जाए उसका एक्चुअल कॉस्ट ही जाना चाहिए बच्चों, उससे ज्यादा ना जाए, समझ लो ना। यहाँ पे हम ये नहीं कि हम ज्यादा प्रोडक्शन में तभी 5 रुपीज करेंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस कर देना है, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये हमने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो एलोकेशन की बात की गई, ठीक है ना। अभी इस पे कुछ और भी क्वेश्चन हमारे पास है, आप कहो तो पहले मैं इसको मिटा दूं। यस सर। आइए जरा इसको मैं हटाऊं और आपको और मैं आगे लेके चलूं, इसको मैं और आगे लेके चलूं, आपको मजा आएगा। एक्चुअली मैं जानता हूं कि अगर आपने AS2 मुझसे पढ़ा हुआ है तो आपको नींद आ रही होगी, बट आने मत देना, क्योंकि कब बीच में कौन सी नई बात आ जाएगी जिस पे AS2 में कोई जिक्र नहीं है, और अगर वही एग्जाम में आ गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसलिए अपने हाथों में, अपने पास
वो पानी की बौछारें अपने पास रखो, और अगर पानी की बौछार से काम ना बन पाए ना बच्चे, तो मुझसे आप ये मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा, इसको पीने के बाद नींद नहीं आती। इसमें वो चीज है कि मैं क्या बताऊं, इसको पीने के बाद कभी नींद नहीं आती। सर हमें भी बता दो, ये तो नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता। हाँ अगर आप कहो तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा सकता हूँ आपको। सर बीच की थ्योरी छोड़ो ना, समझेंगे ना हम लोग, एक बार पढ़ो तो मेरे साथ, 5 क्वेश्चन देखेंगे क्या निकल के आता है, और क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ेगी आपकी। कहता है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर पर किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड्स इज गिवन बिलो, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट कहता है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख इज, कहता है कि आपका कितना 10 लाख रुपीज है ना बच्चे। मतलब क्वेश्चन ने क्या किया, आपको यहां पे ये बता दिया फिक्स जो है वो टोटल आपका कितना बता दिए 10 लाख आपका नॉर्मल कैपेसिटी बता रहा है, बोल रहा है कि 2000 kg ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट द ईयर एंड, हाउ डू यू वैल्यू द क्वांटिटी इन स्टॉक एज पर इंडेक्स 2। मेरे बच्चे यहाँ पे जो इन्वेंट्री है ना उसको बोलता है क्या वैल्यू करो। तो हमें पता है ये सॉल्यूशन जो कर रहे हैं क्वेश्चन 5 में, हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री नाउ। तो जरा बताओ इन्वेंट्री जो है उसको वैल्यू करते समय क्या लेंगे सर, आपका क्या बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, फिर आपका क्या जी अदर कॉस्ट जो आपने इनकर्ड किया होगा। मैं लिख दूं क्या, लिखो ना यहाँ पे, आप लिखो मेरे साथ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैं निकालता हूँ, पहले मैं निकाल दूं पर यूनिट, पर यूनिट निकाल दूं अच्छा लगेगा आपको, हम टोटल भी निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं, पर यूनिट निकाल लेते हैं। जरा बताओ कि मटेरियल कॉस्ट क्या क्या लेगा हम इसमें जी, एक तो मटेरियल कॉस्ट लेगा, जब भी कहता हूँ मटेरियल कॉस्ट वी आर सेइंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाता है, और ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, कॉस्टिंग आपने पढ़ा हुआ है, मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा उसका। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस हम लोग क्या लेंगे कन्वर्जन कॉस्ट है ना, पूरा मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ फॉर्मूला के अंदर में। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर में दो था जी, एक तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उसके बाद आपका था आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें एक था वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैं लिख देता हूँ इसका डिटेल कैसे भी दिखा सकते हो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रेजेंटेशन आपका होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, और एक हम क्या लेंगे यहाँ पे फिक्स्ड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना बच्चे। इसके बाद और क्या हमने बोला था जी आपको लेने के लिए, इसके बाद और क्या बोला था सर, आपने कहा था प्लस लेने के लिए यहाँ पे क्या था मैं भूल गया, हाँ अदर, अदर कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड फॉर, फॉर ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सर एक बात बताइए, क्या अगर कोई नाम एग्जाम में नहीं है तो भी उसका नाम लिखना होगा, कोई जरूरत नहीं है, बट अभी सीख रहे हो सब लिखो ना, क्या जाता है आप बताओ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना बता रहा है पर यूनिट आपका, कहता है कि पर केजी, अच्छा कॉस्ट स्ट्रक्चर पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स आपका पर केजी है, तो पर यूनिट पर केजी कर दो आप यहाँ पे, तो यहाँ कितना बता रहा जी ₹100, 100 रुपए है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहता है कि ये जो आपका वो 20 रुपीज है, ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वेरिएबल कितना बता रहा है 10 रुपीज, ये है ना। फिक्स को कहता है कि आप निकाल लो, उसने आपको बोला कि भैया 10 लाख रुपीज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड है, और नॉर्मल कैपेसिटी आपका 1 लाख है, तो कितना आ गया ₹10, कॉमन सेंस है। और जरा बताओ अदर भी कोई खर्च दिख रहा है क्या, नहीं सर, तो कोई बात नहीं, हमें झगड़ा थोड़ा ही करना है, ये आपका हो गया कितना 120, 30, 40, 140, ये आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पर केजी आपका, पर केजी निकल के आ गया। और इसके बाद मेरे बच्चे 2000 केजी कहता है कि एंड में है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 2000 केजी ऑफ फिनिश गुड्स,
मुझे बताइए 2000 केजी ऑफ फिनिश गुड्स कितना आपका हो जाएगा, तो 2000 एंड मल्टीप्लाई बाय 140 यानी कि 2,80,000, है ना, खत्म हो गई बात। अब क्या करूं बताओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सर, आएंगे, आए हैं, अरे आए हैं, ये क्वेश्चंस आए हैं, मत बोलो कि आएंगे, ये आए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको मिटा दूं मैं सर, थोड़ा समय दो ना। ओहो, आप ना मांगने की बस आदत है, मांगने की आदत है बस, कि सर थोड़ा समय दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, यानी कि छीन लूं मैं। अगला क्वेश्चन, सिक्स नंबर, मैं सिक्स क्वेश्चन बढ़ता हूं, आओ ना, सिक्स क्वेश्चन सुनो, आपसे बात कर रहा हूं, अरे देखो तो कम से कम एक बार, अरे इधर देखो तो, छोड़ो तो उसको, लिख लेना बाद में, अरे देखो तो कम से कम, सिक्स क्वेश्चन पढ़ो ना मेरे साथ, सिक्स क्वेश्चन। सीओसी लिमिटेड, नाम सुनते ही शरीर के अंदर में उमंग जग जाता है, लगता है कि जितने भी बाहर में फूल पौधे हैं ना बच्चे, सब खेल से गए हैं, इस नाम को सुनते हैं सीओसी लिमिटेड, जहां भी देखो धूप खत्म, ऐसी शाम हो चुकी है ना, इतनी भीगी भीगी हवाएं चलने शुरू हो जाती है ना इस नाम को सुनने के बाद, सीओसी लिमिटेड, मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, मन ही नहीं करता किसी और की कुछ बातें सुनने का, बस सीओसी लिमिटेड, सीओसी लिमिटेड। आओ जरा मत बहको इस तरीके से, क्वेश्चन पढ़ो, इंडेक्स टू बदमाश, पढ़ो क्वेश्चन क्या बता रहा, इंडेक्स टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। अरे सीओसी, ओहो सीओसी लिमिटेड, कुछ कुछ आगे बोलने का मन ही नहीं करता, मैं क्या करूं। नहीं बताऊंगा क्या है ये सीओसी लिमिटेड, भावनाओं पे कमांड, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सीओसी लिमिटेड प्रोड्यूसेज सॉफ्ट ड्रिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इट प्रोड्यूसेज 1,00,000 पैकेट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है जी, 1,00,000 पैकेट इसने बनाया है, मतलब बनाता है, इट प्रोड्यूसेज, इट प्रोड्यूसेज का मतलब हो गया कि आपका इस एक साल में हमने इतना प्रोड्यूस किया है, ठीक है। फॉलोइंग एक्सपेंसिज वेयर इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर। अब आप ध्यान देंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में चीजें पर केजी था, एक मिनट पे ऑलरेडी बता रहा था, यहां पे 1,00,000 जो आपका पैकेट है सॉफ्ट ड्रिंक का, उस पे एक्सपेंसेस कितने लगे वो आपको बता रहा है, मतलब दिस इज टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट, तो निकाल तो सकता हूं यार, 8,00,000 रुपए लगा है तो 1,00,000 से डिवाइड करो, एक यूनिट का निकल गया, कौन सी बड़ी बात है, डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट मटेरियल, अरे इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि कहता है कि आपका बॉटल्स है, तो ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका है, ये तो आपका क्या बोलते हैं जी, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री है ना बच्चे, जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं दे बिकम्स पार्ट ऑफ आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमने, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आपने कॉस्टिंग ऐसे पढ़ा हुआ है कि जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो क्या क्या लेते हैं, ये देखो आप, ये तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, लाइक जैसे हम पेप्सी बना रहे हैं, पेप्सी में जो सॉफ्ट ड्रिंक बनता है बच्चे, वो डायरेक्ट हुआ, लेकिन उसको कुछ कलर लगना है, कुछ और भी छोटी छोटी चीजें लगनी है, वो सब क्या इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इसके अंदर में जाता है। और वो क्योंकि जितने ज्यादा हम बनाएंगे, वो क्या बोला था जी, जैसे कि बॉटल है, जितने ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे कोल्ड ड्रिंक्स का, उतने बॉटल्स लगेंगे, जितने कम उतने कम, तो ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, और ये फैक्ट्री ओवरहेड से नो डाउट वेरिएबल आपका है ना। फिर कहता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपका, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू स्टोर्स, प्रोडक्ट डिजाइन एक्सपेंसेज, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, पब्लिसिटी मटेरियल्स, एज्यूम नॉर्मल कैपेसिटी, कहता है 120 पैकेट्स का 1,20,000, ध्यान से, आपका जो नॉर्मल कैपेसिटी बच्चे 1,20,000 बनाने का है, और आपका जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1,00,000 का हुआ है, मतलब कि नॉर्मल से कम आपका प्रोडक्शन हुआ है, तो इस केस में जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड होता है, इट इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट वेरिएबल। नाउ बोलता कि कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एज पर इंडेक्स टू, सर वो वेरिएबल किस पर डिवाइड होगा, पूछना ही नहीं है, वेरिएबल आपका एक्चुअल पर हमेशा होता है ना। आओ ना सिक्स, मैं आपको बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा इस बार सजाऊंगा मैं, पहले तो मैं आपको बताऊं कि लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक पर यूनिट,
पर यूनिट लिख दो या पर पैकेट लिख दो, है ना, एक पैकेट बताया ना, ये पैकेट के रूप में दे रहा ना। मतलब एक पैकेट आपका, यानी कि एक आपको सॉफ्ट ड्रिंक और क्या, ठीक है। तो आओ जरा हम लोग लेते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल ध्यान से देखना होगा। कहता है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल टोटल 8 लाख रुपीज के लगे हैं। तो मेरे बच्चे 8 लाख रुपीज जो आपके लगे हैं कितने नोट्स को बनाने में, 1 लाख पैकेट्स। तो हमारा यहाँ पे जो कॉस्ट आ गया पर पैकेट पैकेट, उसमें ये कितना आ गया, रुपीज एट, 8 रुपीज आपका। फिर आ जाओ अब हम लेते हैं यहाँ पे जी डायरेक्ट मटेरियल को कन्वर्जन कॉस्ट, एंड कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर में हमें क्या लेना है, एक तो लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और फिर आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर में एक आपका फिक्स्ड और दूसरा हमारा वेरिएबल। इसके बाद हमें लेना है जी अदर एक्सपेंसेस या अदर कॉस्ट, जो भी आप लिखिए, अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कोई डाउट नहीं सर, आगे बढ़े। यस, तो जरा बताओ हमारे पास लेबर कॉस्ट बता रहा है क्या? यस सर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहता है 2 लैक्स है। तो ये जो 2 लैक्स रुपीज का अमाउंट आपका है, आप 1 लैक से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2 रुपीज का अमाउंट। यहाँ कोई डाउट ना, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड बताइए। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड टोटल आपका 2,50,000 है। और मेरे बच्चे यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन कहता है कि 1,20,000। तो 120 बताइए कितना निकल के आ गया, 2,50,000 डिवाइड बाई 1,20,000, ये आ गया 2.08, लिख देता हूँ राउंडिंग राउंडिंग अप में, डेसिमल के बाद 2 है ना, 2 रुपए 8 पैसे यानी कि हो गया। नाउ अदर कॉस्ट इनकर्ड, अब देखो इसके बाद भी, अच्छा वेरिएबल में भी, सॉरी वेरिएबल में क्या मैं दिखाई दिया, तो एक तो बॉटल है जी 1 लाख रुपीज का, और कुछ दिख रहा है नहीं सर, है ना, ये 1 लाख रुपीज आपका। वेरिएबल हमेशा आपका एक्चुअल पे होगा, ये रुपी 1 निकल के आ गया। एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, फैक्ट्री में बन के तैयार हो गया, इससे स्टोर तक जो आपने पहुंचाया, जहां पे उसको एक्चुअली स्टोर कर रहे हो आप इन्वेंट्री को, वहां तक के खर्चे, है ना। तो इसमें चेक कीजिए क्या बता रहा है, एक कह रहा है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू स्टोर, ऑब्वियस बात है ये आएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू स्टोर, स्टोर तक पहुंचाने का आपका। फिर कहता आगे पढ़ना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये भी कहा था मेरे कि अगर कोई खर्चे स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ वो भी यहाँ पे आएगा, उनका प्रेजेंट कंडीशन में लाने में आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग कॉस्ट जो है, डिजाइनिंग कॉस्ट वो भी लिया जाएगा। और उसके बाद कहता है कि प्राइमरी पैकिंग, ऑब्वियस बात है वो भी लिया जाएगा जी, प्राइमरी पैकिंग आपका हो गया। और फिर कहता है आपका पब्लिसिटी, वो नहीं आएगा, अरे पब्लिसिटी दिस इज मार्केटिंग, और मार्केटिंग में जो फैक्ट्री के बाद के कोई भी खर्च नहीं लेंगे, कॉमन सेंस ही बात है, फैक्ट्री का मतलब गुड्स बनाकर हमने स्टोर किया, वहां तक के खर्चे तो समझ में आ रहे हैं, इवन स्टोर करने के भी खर्चे नहीं लेंगे अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो। अगर मेरा, मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हमने तो कहा कि जहां पर उसको स्टोर करना है उस इन्वेंट्री को, वहां तक पहुंचाने तक का खर्च, पहुंचाने तक का उस स्टोरेज का खर्च नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, कुछ एक्सेप्शन है जो आगे बात करूंगा जब मैं इसके थ्योरी पे आऊंगा, फिलहाल बस उसको पहुंचाने तक का खर्च। ये पब्लिसिटी, ये तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग खर्चे यहाँ कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बस खत्म हो गया। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू स्टोर हमारा कितना था, 50,000। डिजाइनिंग कॉस्ट कितना था आपका जी यहाँ पे, डिजाइनिंग कॉस्ट आपका 1,30,000, 1,30,000।
और आपका ये पब्लिसिटी कितना है, माफ कीजिए प्राइमरी पैकिंग कितना है, वन सॉरी गलती का 50 80 था, प्रोडक्ट डिजाइनिंग 80,000 था, ये 80,000 एंड 130, तो ये टोटल कितना आपका हो गया, ये आ गया आपका 130 160, ये 2,60,000 भी जो किया होगा वो इसी प्रोडक्शन पे तो किया गया होगा, यानी कि 1 लाख पे, तो ये कितना आ गया 2.60, 2.6 आपका। अब बता दो आपका यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट पर पैकेट क्या निकल के आया बताइए, यहाँ पे ऐड करके 10 12 13 15, 15 रुपीज एंड 68 पैसे आई थिंक, है ना? यस ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो आप जरा सुन लो, इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी, हमारे पास इन्वेंट्री पड़ा कितना है, इन्वेंट्री कहता है कि भैया लो चाहिए नहीं, वो तो लास्ट में कहता है भैया कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, तो पर यूनिट तो निकाल चुके हम लोग यहाँ पे 15.68, अब तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, बोलो ना। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन आपका है जी, सेवेंथ क्या बता रहा है, व्हेन अ ट्रेडिंग कंपनी परचेजेस कार्स फ्रॉम फ्रॉम सेवरल कंट्रीज एंड सेल देम टू एशियन कंट्रीज, मतलब डिफरेंट कंट्री से कार परचेज करती है और उसको एशिया में कंट्री में बेचती है। देखिए द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कौन कौन से आपका है, पहला कहता है ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, फिर हैंडलिंग कॉस्ट बता रहा जी रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सैलरीज सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट, आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट, इम्पोर्ट ड्यूटीज, कॉस्ट ऑफ परचेज बेस्ड ऑन सप्लायर इनवॉइस, फिर कहता है आपका फ्रेट एक्सपेंस, फिर कहता है इंश्योरेंस ऑन परचेज एंड ब्रोकरेज कमीशन पेड टू इंडेंटिंग एजेंट, इंडेंटिंग मतलब जो ऑर्डर हमें प्लेस कराता है बाहर से, उसका बात सुना रहे, मतलब हमें जो बाहर से आपका लेना है वो आपका कार परचेज करना किसी से, तो बीच का जो मेडिएटर होता है ना बच्चे उसको बोलते हैं वो, मतलब ये परचेज से जुड़ा हुआ कमीशन है। तो कहता है बताओ इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते समय कौन कौन सा कंसिडर होना चाहिए, मैंने अभी इसके एक्सेप्शन आपको नहीं बताया जानबूझकर, एक बार जरा सुन लो कौन कौन से, उसके बाद हम देखते हैं। अब तो ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ऑन परचेज ये कंसिडर होता है कि नहीं, कंसिडर मतलब इसको हम कुछ करते हैं कि नहीं करते, सर माइनस करते हैं अगर वो टोटल कॉस्ट में मतलब परचेज प्राइस में मिला हुआ है तो हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू, ये भी आपका कंसिडर किया जाता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ना आप याद कीजिए, हमने कहा था कि आपका कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब सिंपली परचेज एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज जो डायरेक्टली जुड़े हैं आपका फैक्ट्री तक में लाने के खर्चे, तो ट्रेड डिस्काउंट ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट ठीक है जी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का सैलरी नहीं, सेल्समैन कमीशन नहीं, सेल्समैन बेचने वाला थोड़े कमीशन लेना हमने, आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट नहीं, हमें सेल करने के बाद कोई हमने वारंटी दिया उसका कॉस्ट हमें परचेज से क्या मतलब है, हाँ इंपोर्ट ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा परचेज से जुड़ा खर्च है, कॉस्ट ऑफ परचेज बेस्ड ऑन सप्लायर इनवॉइस, हाँ ये तो ठीक है जी, ये तो कंसिडर किया जाएगा, फ्रेट एक्सपेंसेज आपका, फ्रेट एक्सपेंसेज ये भी कंसिडर किया जाएगा, ये मानते हुए कि अगर उस रॉ मटेरियल को बाहर से लाने का मतलब कार को लाने का फड़ा है तो हम कंसिडर करेंगे। कहता है कि इंश्योरेंस ऑन परचेज आपका, ये कहता है कि जो हमने बाहर से कार परचेज किया, बाहर से कार परचेज किया तो कहीं रास्ते में डैमेज ना हो जाए जी, लॉस ना हो जाए, तो हमने क्या किया उसका इंश्योरेंस करा लिया, उसके ऊपर खर्च, अरे कोई भी खर्च यहां से यहां तक लाने का होगा सब लिया जाएगा, ये भी कंसीडर हो जाएगा, ब्रोकरेज कमीशन जो पे किया गया इंडेंटिंग एजेंट को, मतलब जो आपसे बाहर से कार दिलवा रहा है वो भी कमीशन ऑन परचेज आपका हो गया, सारे खर्चे जो परचेज से जुड़े हैं डायरेक्टली उसको हम ऐड करेंगे, तो मैंने आंसर आपको दे दिया है, आप इसको कर जाएंगे, मुझे पता है कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है ना, मैं पहले इसका ना एक्सेप्शन लिखा दूं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे आप यहाँ पे कितने अब नोट हुए थे, मुझे वो तो याद नहीं आ रहा है कितने नोट नंबर थे, बट जो भी नोट नंबर था उसके आगे लिख लो, मान लो मानता हूँ कि 5 नोट थे, 5 नोट तो 6 लिख रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा जो भी नंबर होगा। कहता है कि फॉलोइंग कॉस्ट लिखेंगे आप यहाँ पे, फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड
फ्रॉम इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कहता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन से फॉलोइंग कॉस्ट को एक्सक्लूड किया गया है। अब कौन से खर्चे, मैं अगर आपसे सिंपल शब्दों में बात करूं तो मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और इस खर्च को छोड़ के जितने सारे खर्च होते हैं सारे तो एक्सक्लूड है। ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के खर्चे, कुछ और भी चीजें होगा, सब एक्सक्लूड है मेरे बच्चे। उन्हीं बातों को बस यहाँ पर लिखवा दूंगा, लिखी जा रहा है यहाँ पे नंबर ए। कहता है एबनॉर्मल वेस्टेज। अगर कोई ऐसा वेस्टेज, जैसे आपका मटेरियल लिया लेकिन इस मटेरियल में मान लो 1,00,000 रुपए का मटेरियल आपका आग लगा और लॉस्ट हो गया तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर हम 7 लाख पे इसकी कॉस्टिंग करेंगे। एबनॉर्मल वेस्टेज जो होता है ना वो हम कंसिडर नहीं करते किस चीज का, चाहे वो ऑफ मटेरियल हो, चाहे वो मटेरियल हो और चाहे वो लेबर हो। हमने लेबर चार्ज कितना पे किया है जी, 2 लाख, लेकिन इसमें से 50,000 जो हमने पे किया है वो एक स्ट्राइक के टाइम पे बदमाशों ने स्ट्राइक कर दिया था और फिर उस समय भी हमें उनको वेजेज पे करना पड़ा, तो ये आपका इन्वेंटरी कॉस्ट में एक्सक्लूड नहीं होगा और ये 150 के बेसिस पे निकाला जाएगा। जेन्युइन कॉस्ट एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं, मैं मतलब इंडेक्स 2। फिर कहते हैं देखो जी स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट जो आपका होगा वो एक्सक्लूड होगा, बट यहां पे मैंने कहा था कुछ एक्सेप्शन लिखे, अनलेस दोज कॉस्ट आर necessary in the production process before a further production स्टेज। सर समझाओ ना, अभी बताऊंगा, लिख लो पहले आप यहां पे। सी में कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, डी लिखेंगे आप यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लिखेंगे आप आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट। सर वो ये जरा समझा दो ना, ये क्या है? अरे समझाता हूं बदमाश, लिखो तो पहले, हूं ना जिंदा, अरे हूं अभी क्या टेंशन, अभी मैं कम से कम 200-250 साल जीऊंगा, 200-250, आपका नेक्स्ट जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन, मैं सबको पढ़ाऊंगा, देख लेना। ये लीजिए, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली क्या है। डायग्राम से बता दूं अच्छा लगेगा आपको। ये मार्कर, एक मार्कर ब्लू लेना था मुझे, इंक ही खत्म हो गया बदमाश, बट एनीवे चलो मैं आपको समझाता हूं। ये देखो आप लिखेंगे डायग्राम वन। सर हम भी बनाओ ना। कहता है कि आपने मार्केट से परचेस्ड रॉ मटेरियल, ठीक है ना, हमने परचेज किया रॉ मटेरियल और ब्रिंग इट टू फैक्ट्री, है ना, फॉर प्रोडक्शन। समझना मेरी बात, शॉर्ट में सारी बातें समझा रहा हूं जो अभी तक हमने पढ़ा। ये जो मार्केट से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और आप इसको फैक्ट्री में लेकर आप आए, इन सारे खर्च को हमने क्या बोल दिया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, पहली बात। फिर अब इसमें क्या हुआ जी, हमने इसका स्टार्टेड प्रोडक्शन,
एंड इनकर्ड. क्या इनकर्ड किया हमने? आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, और प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है. अब ये जो चीज था ये आपका प्रोडक्शन होके तैयार हो गया. ठीक है ना. ये कहता है यहां पे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया बच्चे. नाउ इसको ट्रांसफर्ड टू, हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू कहां आपका गोडाउन फॉर स्टोरेज, स्टोरेज करने के लिए. और ये रहा आपका वो स्टोर, ये रहा आपका वो स्टोर, स्टोर कह दो, गोडाउन कह दो, स्टोर वर्ड गलत होगा, इसको गोडाउन कर देता हूं, जहां पे मैंने रखा हुआ है गोडाउन. ठीक है ना. कहते हैं कि जितने भी खर्चे आपने यहां से लेकर और यहां तक किए होंगे, ये खर्चे, यही आपका कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर में इंक्लूड होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर आपको निकालना है तो यही. मेरे बच्चे ये जो आपका है ना गोडाउन के खर्चे, लाइक गोडाउन का रेंट हो गया, गोडाउन का इंश्योरेंस हो गया, गोडाउन का इंश्योरेंस हो गया, गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन, गोडाउन के अंदर इंप्लॉय काम कर रहे एक्सेट्रा, ये नॉट टू बी कंसिडर्ड. हमें नॉट टू बी कंसिडर्ड नहीं कंसिडर करना, नॉट टू बी कंसिडर्ड. कहता है कि ये जो गोडाउन, और लिख देते हैं यहां पे एंड ऑनवर्ड्स, इसके बाद के जितने सारे खर्चे हो जाए, शोरूम का, सेल्स का, ऑफिस का, वो कोई भी खर्च हम कंसिडर नहीं करेंगे. इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. इसको नीचे कर दूं, दिक्कत हो रही है. इसमें तो कोई डाउट है नहीं मेरे बच्चे. हमने कहा इसके बाद के, देखो जी इसके बीच में भी अगर मान लो कोई मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एबनॉर्मली लॉस्ट हो जाता है, लेबर कुछ एबनॉर्मली लॉस्ट हो जाता है, कोई फैक्ट्री ओवरहेड्स एबनॉर्मली हो जाता है, कोई भी खर्च, तो कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज को आपको कंसिडर नहीं करना, हटा दो. और इसके बाद का हमने कहा कि स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि जो गोडाउन में जहां पर हम स्टोर कर रहे हैं, ये हमने कहा कि ट्रांसफर टू गोडाउन फॉर स्टोरेज, जो ट्रांसफर करने का खर्च हुआ यहां तक कंसिडर किया जाएगा मेरे बच्चे, इसके बाद नहीं. जैसे आप फ्रेट पे किया या कुछ भाड़ा, जो भी चीज लगा, इंश्योरेंस, हमने हो सकता है कि यहां से यहां तक का इंश्योरेंस कराया होगा जी, रास्ते में कहीं डैमेज हो, सब कंसिडर होगा, ये ऑनवर्ड कंसिडर नहीं होगा. वही बातें मैंने यहां पे बताई हुई है. क्लियर यहां तक? यस सर. दूसरी बात ध्यान देना, अब ये क्या था, स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. मैं आपको बताता हूं, शराब का नाम सुना आपने, शराब, वाइन, नाम तो सुना ही होगा. मैं आपको समझाना चाहता हूं एक्चुअली शराब में क्या होता है. जब शराब बनाने का होता है, कभी मैंने बनाया था, आज से 250-300 साल पहले मैं बिजनेस करता था शराब का, इसलिए थोड़ा बहुत पता है. मैं आपको बता दूं, शराब के लिए आप क्या करते हो ना कि मार्केट से लेते हो मटेरियल, और उस मटेरियल का मान लो आपके ग्रेप्स लिया आपने या फिर कुछ भी लिया, और उसका आपने निकाला वो रस, जूस उसका निकाला. बच्चे वो जूस जो होता है ना, निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पहले उसको सड़ाते हैं. जितना सड़ेगा मतलब जितना पुराना होगा उतना उसमें नशा होगा. तो हम लोग क्या करते हैं कि जब उसको हमने यहां पे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, तो प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होते ही पहले क्या हुआ जी, अब उसको हमने जूस निकाला, अब उस जूस को हमने क्या किया, स्टोर कर दिया स्टोरेज में, गोडाउन में, कहीं पर भी आपने वेयर हाउस में स्टोर कर दिया. फिर वो पुराना होते गया, पुराना होता गया, पुराना होता गया, हमने उसको आपका यहाँ पे क्या क्या एक स्टोरेज, आपका स्टोर यहाँ पे ले लिया था या बना लिया था. अब फिर वो जो पुराना हुआ, फिर हमने उसको निकाला, और निकाल के फिर आगे प्रोसेस में शराब बनाना, फिर आगे ऑनवर्ड हमने काम किया. यहां जो स्टोरेज है ना, ये इस स्टोरेज पे अगर कोई खर्च होगा
वो हमारे कोष का पार्ट बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में हो रहा है मेरे बच्चे। अगर वो स्टोरेज ना हो तो प्रोडक्शन ऑफ दैट वाइन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको उस प्रोडक्शन को करने के लिए वी नीड टू स्टोर दैट फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपका। तो मैं कहता हूं कि अगर इस प्रोसेस में कोई स्टोरेज होता है वो तो आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा, लेकिन अगर इसके बाद कुछ स्टोरेज होता बन जाने के बाद वो पार्ट नहीं बनेगा। सुनो, स्टोरेज कॉस्ट का हम एक्सक्लूड करेंगे, मतलब वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा अनलेस दीज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। दूसरे प्रोडक्शन स्टेज में जाने के पहले उसका स्टोरेज कंपल्शन है, रखना पड़ेगा, तो फिर आपको ये काम, तब वो स्टोरेज का कॉस्ट उसमें ऐड किया जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ता हूँ, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने एक क्वेश्चन और रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, जरा पढ़ लो, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेंट का ही क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ा दूँ यहाँ पे 8, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे आप 8 नंबर। एज पर इंडेक्स 2 ये सब क्वेश्चन आ सकते, दो 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 तीन तीन नंबर में। सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। Whether distribution cost would now be included in the cost of inventory? बदमाश है ये, मतलब ये सोचता है कि इससे बड़ा कोई चलाक है ही नहीं। ये कहता है कि यार आपको पढ़ाया गया था सेलिंग खर्चे एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेकिन सेलिंग ना, सर ने सेलिंग लिखाया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े बोला था, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या एक्सक्लूड होगा। वो कहना कि यार आप लिख के एग्जाम में, आप बहुत बड़े नादान हो, आप बहुत भोले हो, आप इतने भोले हो कि मैं क्या बताऊं, आप देखने में बुड़बक लगते हो। आप बोलना उनको ये बात, लिखना एग्जाम के आंसर शीट में कि आप बुड़बक लगते हो। अरे पढ़ लेते एक बार ठीक से जो सर ने इंडेक्स 2 पढ़ाया था आपको, वहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहा गया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो है ना बच्चे, वो सेलिंग से जुदा करके आप देख भी नहीं सकते। दोनों वर्ड आप में एक साथ ही सुनने में मजा आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे सेल से ही जुड़े होते हैं, और जो सेल से जुड़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में कैसे ऐड होगा, आप लिख देना। आप नादान हो, पढ़ो ना यहाँ पे क्या बता रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर जनरली यूज एज ए सिंगल टर्म बिकॉज बोथ आर रिलेटेड, एज सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड टू अफेक्ट द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर इनकर्ड बाय द सेलर टू कंप्लीट द सेल ट्रांजेक्शन बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू point of sale to the point of at which the buyer take possession. Since these costs are not related to bringing the goods to the present location condition, the same is not included in the cost of inventory. आई बात समझ में? Yes sir. फिर इसके बाद एक fourth question है ऊपर का, वहां भी आ जाइए आप। Fourth question, ये भी हम लोगों ने अभी wastage वाला जो बात किया था उसी के ऊपर में ध्यान देंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ और चेक करेंगे आप। इसका आंसर ICMI के स्टडी मटेरियल में गलत है, अगर उन्होंने कभी सुधार दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उनका भी लिख के आ जाना कि आप नदान हो। कुछ नहीं, आप बनवा छोड़ो, मैं क्यों बोलूं, गुस्सा आता है थोड़ा बहुत मुझे, बस छोड़ो ना। अब इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो ना, फोर्थ। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस कहता है कि कहां गया, नॉर्मल वेस्ट इज 4% ऑफ इनपुट, नॉर्मल वेस्ट इज 4%। एक मिनट, हमने बोला था वेस्टेज हटाना, बट कौन सा, एबनॉर्मल को बोला था। नॉर्मल वेस्ट तो ठीक है, होगा ही होगा। आप नॉर्मल का मतलब होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई शर्ट सिलाते हो, आप शर्ट सिलाने जाते हो टेलर के पास, तो टेलर जो है थोड़ी मोड़ी कटिंग करता है, यहाँ से काटता वहां काटता, दिस इज नॉर्मल लॉस। अगर मान लो आप किसी फैक्ट्री में गुड्स का कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मटेरियल को शेप देने में थोड़ा बहुत कटेगा ही कटेगा, बर्बाद होगा ही होगा। वुडन फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर का थोड़ा बहुत पार्ट कटेगा ही कटेगा, दैट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट होता है, लेकिन कहता है एबनॉर्मल नहीं। कहता है कि भैया इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट 4% ऑफ इनपुट है, 6,000 million ton एम्प्टी, मैट्रिक टन भी कुछ बोल सकते हैं, ऑफ इनपुट वेयर पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन ए वेस्टेज ऑफ 300 million ton। ठीक है, कॉस्ट पर मिलियन टन ऑफ इनपुट इज 1250, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 80 million ton एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये लीजिए फोर्थ सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। मुझे बताओ कि आपका टोटल इनपुट कितना लगा,
टोटल इनपुट 6,000 मिलियन टन। ठीक है, इसमें से कहता है कि टोटल जो आपका वेस्टेज हुआ, टोटल वेस्टेज वो कितना आपका हुआ जी, 300 मिलियन टन, इतना वेस्टेज हुआ। आप मुझे बताओ नॉर्मल वेस्टेज कितना है, कहता है कि 4% ऑफ इनपुट, 6000 का 4% यानी कि 240 मिलियन टन। ये तो नॉर्मल है, मतलब इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपका एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ, वेस्टेज वो कितना हो गया, 60 मिलियन टन। 300 में इतना तो नॉर्मल था, तो बाकी क्या होगा जी, एबनॉर्मल हो गया। पर बच्चे एबनॉर्मल वेस्टेज जो होते हैं ना, दे आर नेवर द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ आपका इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो कहता है कि भैया कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड ट्रीटमेंट, सॉरी क्या लिखा है, कंप्यूट द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मलोस। ये क्या बोल रहा है, मैं सही कर रहा हूं, आपको सही दिखेगा, शो द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मलोस, मैं सही कर दूं, शो द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मलोस। ठीक है, क्या होगा आपका, तो मैं आपको बताऊं यहां पे क्या होगा जी। देखो जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस कितना हो, चेक कीजिए, 60 मिलियन टन मल्टीप्लाइड बाई, एक कितने का मिला था आपको, एक कितने का, 1250 आपको है ना बच्चे। तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 60 into 1250, ये जो 75,000 आपका कॉस्ट निकल के आया, 75 ही हुआ ना, समझ लो, नॉर्मल लॉस तो होना ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना, ये आपका एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, दिस शुड बी ट्रांसफर टू कहां, प्रॉफिट लॉस यानी कि एसपीएल, ये आपको खर्च दिखाना पड़ेगा, लॉस अलग से दिखाना पड़ेगा, ये इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, ध्यान से क्वेश्चन समझना। वो कहता है भैया आपका जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है रॉ मटेरियल का, उसका क्या होगा, तो हटा दो जी, है ना, वो खत्म हो जाएगा, बाकी सब काम करेंगे आपका यहाँ पे, आप प्लीज कॉपी करेंगे इसको, आप कॉपी कीजिए।